डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जो कैलकुलस का फोर्थ चैप्टर किया था, 4.4 एक्सरसाइज की थी। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम जो फिफ्थ चैप्टर है आपका कर्वेचर, तो कर्वेचर वाला जो चैप्टर है उसके अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको बोल रखा है कि रेडियस ऑफ ए कर्वेचर फाइंड करनी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ उसकी आइडेंटिटीज दे रखी हैं हमें, उस आइडेंटिटीज का यूज़ करके हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रा से भी या रो भी बोल देते हैं कुछ लोग, तो रा से भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है या फिर रो निकालनी है, रा भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो उसको कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो मैं आपको उसके कुछ जो आइडेंटिटीज हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, जो फंक्शन दे रखा है वो एस या फिर साई के अंदर है। अगर एस और साई के अंदर अगर हमारे पास जो फंक्शन है यानी कि स्टेटमेंट है, तो उसको हम क्या करेंगे, रा निकालने के लिए जो हम यहाँ से एस का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू साई, ठीक है। साई के रिस्पेक्ट में हम एस का डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि रो की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड, अगर हमारे पास एस या फिर साई के अंदर वैल्यू दे रखी है। उसके बाद है, अगर हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो वाई के अंदर दे रखी है, ठीक है, जो फंक्शन दे रखा है वो एक्स या फिर वाई के अंदर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से हम वाई का जो डेरिवेटिव कर लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव भी और सेकंड डेरिवेटिव भी, और इसके अंदर पुट कर देंगे, यानी कि रा की वैल्यू निकालने के लिए, तो वन प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इसकी पावर जो है 3/2 लेके चलेंगे डिवाइड बाई वाई का सेकेंड डेरीवेटिव। तो ये है हमारे पास रा की वैल्यू निकालने के लिए, अगर हमारे पास फंक्शंस वाई के अंदर दे रखा है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करके उसको सोल्व कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन हम इसी के ऊपर सोल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। अगर फिर भी हमारे पास एक्स या फिर वाई की अलग अलग वैल्यू दे रखी हैं, एक्स या वाई की हमारे पास अलग अलग वैल्यू दे रखी हैं और फिर हमें रा की वैल्यू या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें x का डेरिवेटिव निकालना होगा, y का भी डेरिवेटिव निकालना होगा। x का भी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, y का भी फर्स्ट डेरिवेटिव, और x का फिर सेकंड डेरिवेटिव, y का भी सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। यहाँ से x का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका स्क्वेयर कर देंगे, प्लस y का भी फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वेयर, उसकी जो पावर है वो 3/2 कर देंगे, ठीक है, डिवाइड। अब जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल रखा है, तो x का फर्स्ट डेरिवेटिव और y का सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस y का फर्स्ट डेरिवेटिव और x का सेकंड डेरिवेटिव, तो इसके अंदर उसको पुट कर देंगे, तो फिर भी हम यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, अगर हमारे पास फोर्थ, अगर जो इक्वेशन दे रखी है हम उसको फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन जो दे रखा है x के अंदर भी दे रखा है, y के अंदर भी दे रखा है, दोनों के अंदर दे रखा है, x और y एक साथ मिलेगा, जो फंक्शन मिलेगा वो x और y के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो x फंक्शन का डेरिवेटिव, पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे अब की बार फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में और उसका स्क्वायर, प्लस फिर पार्शियली डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में उसका भी और स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का हम पार्शियली डेरिवेटिव एक बार x के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं, एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का ही सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे वो भी x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकाल रखा है उसका स्क्वायर माइनस 2 × f x का डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आप लोगों ने निकाल रखा है फिर उसका y के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। और तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव निकाल रखे हैं उनके साथ, ठीक है, प्लस अब हमारे पास जो y फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रखा है तो उसका फिर हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो
एफ वाई वाई की वैल्यू मिल जाएगी हमें, यानी कि एफ का पार्सली डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, और फिर जो स्टेटमेंट आएगी उसका भी फिर y के रिस्पेक्ट में ही पार्सली डेरिवेटिव करेंगे, तो फिर एफ एक्स का सुकिया उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पता चल गया। अगर हमारे पास फंक्शन जो है या स्टेटमेंट जो है s और साई के अंदर है, तो वहाँ से हम उसका डेरिवेटिव निकाल के जो भी हमारा डेरिवेटिव आएगा उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास y के अंदर स्टेटमेंट है तो हम उसको इस आइडेंटिटी से यूज करके उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर x और y अलग अलग वैल्यू दे रखी हैं तो इसका यूज कर लेंगे। अगर हमारे पास देखो अगर y की वैल्यू दे रखी है तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं, अगर x और y की वैल्यू दे रखी है तो। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास x और y दोनों के अंदर फंक्शन दे रखा है तो फिर हम इस आइडेंटिटी का यूज करके उसमें से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं वो आपके क्वेश्चन लेके चलते हैं और फिर उनको देखेंगे कि फंक्शन जो दे रखे हैं वो किस स्टेटमेंट क्या है उनकी, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब की बार जो स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे स्टेटमेंट है हमारे पास एस इज इक्वल टू ए लॉगरिथम ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू, ये दे रखा है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है ये देखो s की वैल्यू साई के अंदर दे रखी है, तो s की वैल्यू साई में दे रखी है तो हम तो s की वैल्यू साई के अंदर दे रखी है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारे पास फंक्शन जो दे रखा है वो s और साई के अंदर है तो यहाँ से हम s का डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू साई। ठीक है, साई के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर या एक तरह की वैल्यू मिल जाएगी हम। ठीक है, तो डेरिवेटिव करें, अब डेरिवेटिव करेंगे तो डी एस बाई डी साई, तो क्या आ जाएगा ए एस डी। लॉगरिथम का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई थीटा, तो वन बाई टेन पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू। ठीक है, अब टेन का डेरिवेटिव करेंगे तो सिकेंड स्क्वेयर पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू। ठीक है, ये आ जाएगी। अब ये तो हमारे पास टेन का डेरिवेटिव आ गया, अब थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो पाई बाई फोर का जीरो हो जाएगा, प्लस साई बाई टू का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा वन बाई टू, तो वन बाई टू को मैं आगे लिख लेता हूँ। ठीक है, पता चल गया। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, तो ए साइन कोस में चेंज करेंगे तो वन बाई कोस स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू। ठीक है, और डिवाइड में टू एच डी, जिसको क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू डिवाइड कोज पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू, यह आ जाएगा। अब वन पावर से इसको कैंसिल करेंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे, इसके पास लेके आएंगे तो ए डिवाइड बाई क्या आ जाएगा टू साइन साई पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू और कोज पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू, यह आ जाएगा। अब टू साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डी एस बाई डी साई इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई क्या आ जाएगा ये टू साइन टू थीटा। अब टू थीटा, थीटा की वैल्यू है पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू। ठीक है, टू के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें a डिवाइड बाई साइन पाई बाई टू प्लस साई मिल जाएगा। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा तो किसके इक्वल होता है, साइन 90 में सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा तो पॉजिटिव होता है हमारे पास, तो a बाई साइन साई मिल जाएगा। अब 1 बाई साइन क्या होता है a, ये हो जाएगा कोसिकेंट साई। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी हमारी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, या फिर रो भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। अगर हमारे पास एस और साई के अंदर स्टेटमेंट है तो हम उसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। सेकंड जो मैंने आपको सेकंड आपको आइडेंटिटी बताई थी हम उसका यूज करेंगे कि जैसे थर्ड क्वेश्चन दे रखे आपको कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द गिवन पॉइंट। अब की अगर पॉइंट दे रखे हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है, वैल्यू है हमारे पास जो स्टेटमेंट है अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू वन, ये दे रखा है।
एट द पॉइंट और पॉइंट दे रखे हैं 1/4 और 1/4 ये दे रखी है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ से इनका डेरिवेटिव निकाल लूंगा। सबसे पहले तो मैं y डैश की वैल्यू फाइंड करूंगा। हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहाँ से, अगर हमें r की वैल्यू या रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो 1 + y′ का स्क्वायर की पावर 3/2 और डिवाइड बाई y डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू निकल आएगी हमारी। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? सोल्व करने के लिए देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले तो क्या आ जाएगा 1/2 √x और x का क्या आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस। अब इसका डेरिवेटिव 1/2 √y और y का करेंगे तो y′ = 1 का 0 हो जाएगा। अब मैं इसको साइड लेके जाऊंगा तो 1/2 √x y′ = −1/2 √x। अब मैं इसको साइड लेके जाऊंगा तो y′ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस का 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, √y/√x। अब हमारे पास y′ की वैल्यू है और पॉइंट्स भी दे रखे हैं, तो अगर मैं x और y की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ तो क्या आ जाएगा, माइनस का √y/1/4 / 1/4 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे, ये तो हमने वैल्यू निकाली अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो y′ क्या आ जाएगा, u/v से सोल्व करेंगे तो माइनस v′ डेरिवेटिव ऑफ u तो 2√y और y का y′ हो जाएगा, माइनस अब की बार √y′ माइनस हमारे पास पहले है तो प्लस का हो जाएगा, और रूट का डेरिवेटिव √x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 √x और x का 1 हो जाएगा, डिवाइड में इसका और स्क्वेयर स्क्वेयर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब y′ की वैल्यू है हमारे पास, वापस इसके अंदर पुट कर देंगे तो y का \′ = ये आ जाएगा −√x/2√y और y′ की वैल्यू है माइनस का ही √y/√x प्लस ये आ जाएगा 1/2 √y/x और डिवाइड में है x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो y की डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का प्लस का 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/2 और √y/x डिवाइड बाई एक्स। अब मैं यहाँ से अगर इसको सोल्व करें तो x और y की वैल्यू है इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 + 1/2 अगर यहाँ पे ये भी y 1/4 ये भी 1/4 कैंसिल हो जाएगा तो पूरा 1/4 ही आ जाएगा, ये एक हो जाएगा और नीचे भी 1/4 x की जगह पर, तो ऊपर अगर एलसीएम लेंगे तो 2/2 1/4 को ऊपर लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास y का सेकंड डेरिवेटिव की भी वैल्यू है, y के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है तो इसके अंदर पुट कर देंगे तो 1 प्लस, अब इसकी वैल्यू क्या है −1, अब हमें −1 का स्क्वायर निकालना है तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसकी पावर 3/2 डिवाइड बाई, अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की 4, तो यहाँ से √2 / 3/2 / 4। अब 2 की पावर 3/2 को सोल्व करेंगे तो 2 की 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, अब 2 की 3 क्या होगी 8 और 8 का अगर रूट निकालेंगे तो 2√2 लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2√2/4, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है तो रूट आ जाएगा हमारे पास, तो रा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2 √2, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया, अगर हमारे पास x और y के अंदर वैल्यू है तो वहाँ से y′ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ये तो था आपका सेकंड आइडेंटिटी। अब मैं थर्ड आइडेंटिटी जो आपको बताई है उसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ। अगर x और y की अलग अलग वैल्यू दे रखी है और उन अलग अलग वैल्यू से हम उस आइडेंटिटी के अंदर पुट करेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगी, x = a θ + sin θ, x = a θ + sin θ, ठीक है, और y = a1 - cos θ, ये दे रखा है, और हमें प्रूव के दिखाना है जो रा की वैल्यू है वो आनी चाहिए हमारी 4a cos θ/2, ये हमें शो करके दिखाना है। तो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, अगर हमारे पास
एक्स और वाई के अंदर वैल्यू दे रखी है, तो रा की वैल्यू निकालने के लिए यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, तो एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाई एक्स, जो एक्स डैश है और वाई का डबल डैश, माइनस वाई का डैश और एक्स का डबल डैश, ठीक है, इसके अंदर उसको पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो देखो कैसे सोल्व होगा हमारे पास। सबसे पहले तो मैं x का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो a तो एज इज, थीटा करेंगे तो 1 प्लस साइन का करेंगे तो cos थीटा, ये आ जाएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे तो, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है हमें यहाँ पुट करने के लिए, तो a तो एज इज साइन cos का है, इसका 0 हो जाएगा, और cos का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे ही मैं y का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, a तो एज इज रहेगा, cos का ये 0 हो जाएगा, इसका माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव फिर निकालेंगे तो a cos थीटा आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। बस अब क्या करना है, इसके अंदर पुट कर देंगे इसको, तो पुट करने के बाद हमारे पास रा की वैल्यू मिल जाएगी। x डैश का स्क्वायर यानी कि x डैश ये है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का भी स्क्वायर और 1 प्लस cos थीटा की पावर इसका भी स्क्वायर प्लस y डैश ये है हमारे पास, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a का भी स्क्वायर और sin का भी स्क्वायर इसकी पावर 3/2 है, डिवाइड बाई x डैश और y डबल डैश यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो a और a तो a स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा एज इज और 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइन की और साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गया हमें यहाँ से। अब इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए ये लेके आई है हमें, अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करते हैं क्या आएगा, ए स्क्वायर एज इज ए प्लस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर हम ओपन करें तो ए का भी स्क्वायर प्लस बी का भी स्क्वायर और प्लस 2 cos थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर जो दे रखी है वो 3/2 है, डिवाइड बाय इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर cos थीटा प्लस ए स्क्वायर cos की पावर 2 और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए स्क्वायर साइन cos थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और डिवाइड में हमारे पास है देखो ए स्क्वायर तो एज इज cos थीटा प्लस इसमें से और इसमें से अगर ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1, ठीक है। तो ऊपर देखो ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर cos थीटा इसको तो हम एज इज लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर cos थीटा अब इसमें से और इसमें से जो है वो मैं ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ तो ए स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस पूरे का जो है 3/2 पावर डिवाइड बाई यह आ जाएगा ए स्क्वायर cos थीटा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यह तो 1 हो गया हमारा, अब देखो ये तो 1 बन गया हमारा, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर cos थीटा की पावर 3/2 डिवाइड बाय यहां से भी ए स्क्वायर को अगर कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर से देखो अगर मैं 2 ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं तो 2 ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो 2 ए स्क्वायर की पावर जो है वो 3/2 2 ए स्क्वायर की पावर 3/2 को भी कॉमन निकालेंगे यानी कि ये भी पावर हमारी आ जाएगी तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा की पावर 3/2 डिवाइड बाय ए स्क्वायर और 1 प्लस cos थीटा ये आ जाएगा। अब मैं ए स्क्वायर इसको मैं क्या करता हूं यहां से a की पावर 3/2 करेंगे तो a की पावर 3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2 अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था और अगर यहां से तो a की पावर 3 आ जाएगा और 1 प्लस अब देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3/2 है अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 पावर कैंसिल हो जाएगी तो 1 प्लस cos थीटा इसकी पावर 1/2 आ जाएगी और डिवाइड में क्या है a स्क्वायर
ए स्क्वेयर से इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू रूट टू ए वन प्लस कोस थीटा की हमारे पास आइडेंटिटी होती है, तो वन प्लस कोस थीटा की अगर आइडेंटिटी पुट करेंगे तो टू सॉरी टू कोस स्क्वेयर थीटा बाई टू और उसकी पावर वन बाई टू, ठीक है, वन बाई टू का मतलब रूट लिख सकते हैं हम। अब टू रूट टू ए, अब टू का रूट निकालेंगे तो रूट टू रहेगा हमारे, कोस स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कोस थीटा बाई टू आ जाएगा। अब रूट टू और रूट टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टू, और टू के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ए कोस थीटा बाई टू। यही हमें शो करके दिखाना था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आना चाहिए हमारा, ये ठीक है पता चल गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम विदाउट इस फार्मूले की बजाय जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इस आइडेंटिटी से भी हम उसको सोल्व कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 प्लस वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वेयर की पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई वाई का सेकंड डेरिवेटिव, हम इसे भी सोल्व कर सकते हैं क्योंकि यहां से हम क्या करेंगे वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू, इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे यहां से डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू, और फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है पता चल गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि अगर x और y दोनों में फंक्शन दे रखे हैं और फिर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है, तो फिर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करेंगे। जैसे इसके ऊपर आपके क्वेश्चन मैं ये लेके चलता हूँ कि शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट माइनस टू ए और टू ए, ये दे रखी है x स्क्वायर y, स्टेटमेंट आपको दे रखी है, कर्व की जो वैल्यू दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ये दे रखा है, और पॉइंट्स दे रखे हैं माइनस टू ए और टू ए, और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर शो करके दिखानी है कि रा की वैल्यू टू ए हमें ये लेके आना है, ठीक है। तो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि अगर रॉ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम किस मेथड से, अगर हमारे पास एक्स और वाई के अंदर स्टेटमेंट दे रखी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जो स्टेटमेंट फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डेरिवेटिव इसका स्क्वायर प्लस फिर फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में उसका भी, और स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई, यहां से फंक्शन के दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में वाई डेरिवेटिव करेंगे फिर वाई के रिस्पेक्ट में उसका और स्क्वायर प्लस एफ अब की बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2fx और y f of x f of y, ठीक है। तो ये हमें यहां से शो करके दिखाएं, तो देखो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो जो फंक्शन दे रखा है मैं इसकी a के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद इस साइड लेके आऊंगा, तो फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर y माइनस का a स्क्वायर x और माइनस का a सॉरी ax स्क्वायर और माइनस का ay स्क्वायर, ठीक है ये हमारे पास फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वाई तो कांस्टेंट है तो वाई एज इज रहेगा, और एक्स का करेंगे तो टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से माइनस ए तो कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर करेंगे तो टू एक्स आ जाएगा, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, ये तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में। अब की बार मैं इसी का डेरिवेटिव एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल लेता हूं क्योंकि यहां पे वैल्यू पुट करनी है हमें, तो x के डेरिवेटिव यहां से x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, देखो यहां से पार्शियली डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, पार्शियली डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में बोल रखा है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करते हैं, बाकी सभी को कांस्टेंट लेके चलते हैं। जैसे अब 2y कांस्टेंट है एज इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस 2a एज इज कांस्टेंट है x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया। ऐसे ही हम अब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर कांस्टेंट है y का 1 हो जाएगा, अब माइनस का ये 0 हो जाएगा, माइनस का a एज इज इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 पावर आगे y की पावर 1, ठीक है, और y का 1 हो जाएगा। अब मैं y का डबल डेरिवेटिव यानी कि y डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ तो y है ही नहीं, तो माइनस का 2a और y का 1 हो जाएगा। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें एफ एक्स वाई की, यानी कि एफ डैश एक्स, ये तो वैल्यू आप लोगों ने निकाल रखी है, अब इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, तो अब इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो देखो टू एक्स तो हमारे पास कांस्टेंट है एज इज रहेगा,
ठीक है, हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं, x और y की वैल्यू दे रखी है। अगर मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं तो f x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2 इंटू इसकी जगह पर हम माइनस का 2a और y की जगह पर हम 2a पुट कर सकते हैं माइनस। अब 2a एच डी जेक्स की जगह पर माइनस का 2a पुट करेंगे, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस का ए स्क्वेयर, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4a स्क्वेयर। तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, यहाँ से माइनस का 4a स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, ये तो वैल्यू इसके मिल गई हमें। अब इसके अंदर भी एफ एक्स एक्स के अंदर भी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 2a, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है 2a, तो 2a माइनस 2a, तो ये हो जाएगा 4a माइनस का 2a इज इक्वल टू 2a। ऐसे ही हम यहाँ से भी वैल्यू पुट करेंगे तो एफ वाई के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू है माइनस 2a का स्क्वेयर करेंगे तो 4a स्क्वेयर माइनस 2a, और y की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वेयर ही आ जाएगा, ये भी अगर मैं 2a पुट करूँगा तो 4a स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो आ गया हमारी वैल्यू। एफ वाई वाई के अंदर अगर हम पुट करते हैं तो ये तो हमारे पास 2a है ही, इसके अंदर तो हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि x और y तो है ही हमारे पास। अब इसके अंदर पुट करेंगे तो 2x, तो x की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 2a, यहाँ पे माइनस का 4a हो जाएगा, ठीक है, सभी वैल्यू है हमारे पास, बस क्या करना है इसके अंदर पुट कर देंगे अब। तो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये आई है एफ एक्स की वैल्यू माइनस का 4a स्क्वेयर। अगर उसका स्क्वेयर करेंगे तो माइनस का 4 के माइनस का स्क्वेयर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 का स्क्वेयर तो 16, और a की पावर 2 का स्क्वेयर करेंगे तो 4, ठीक है, प्लस। अब एफ वाई का स्क्वेयर, तो एफ वाई हमारे पास आया है 0, अब 0 का स्क्वेयर करेंगे तो 0 हो जाएगा हमारे पास, और इसकी पावर 3/2 डिवाइड। एफ एक्स एक्स की वैल्यू है 2a और इसकी मल्टीप्लाई करनी है एफ वाई का स्क्वेयर, एफ वाई का स्क्वेयर क्या है, ये 0 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एफ वाई वाई की वैल्यू है 0, सॉरी एफ वाई वाई की वैल्यू है माइनस का 2a, और एफ एक्स का स्क्वेयर, तो एफ एक्स का स्क्वेयर करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 16 a की पावर 4, ठीक है, माइनस। अब 2 एच डी एफ एक्स वाई माइनस का 4, तो माइनस का 4a, और एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 4a, तो माइनस का 4a स्क्वेयर, और एफ वाई, एफ वाई क्या है, 0, तो ये 0 जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूं, तो ये लो देखो 16 की पावर भी 3/2 और a की 4 है, इसकी भी पावर 3/2, अलग अलग लिख सकते हैं डिवाइड बाई, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 32 a की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इसको मैं सोल्व कर देता हूं तो ये आ जाएगा, देखो अगर मैं रूट करूंगा तो 4 की पावर अगर मैं 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है, और a की पावर यहां से 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो a की पावर 6 बच जाएगा, डिवाइड बाई माइनस का 32 a की पावर 5। अब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 32 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और यहां से एक पावर बच जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2a की पावर a बच जाएगा। अब माइनस का 2a जो रा की वैल्यू आई है, अब जो रेडियस होती है वो कभी माइनस में तो हमारी होती नहीं, ठीक है, तो हम माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे तो रा की वैल्यू हमारे पास 2a आ जाएगी। यही हमें शो करके दिखाना था, ठीक है, पता चल गया कैसे शो करना है। तो कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो इस एक्सरसाइज का, जो ये मैंने आइडेंटिटीज बताई हैं इनके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 5.1 एक्सरसाइज करवाई थी। आज के लेक्चर में हम 5.2 एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या है, जैसे मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में कुछ इसकी आइडेंटिटीज थी वो आइडेंटिटीज के बारे में बताया था और उनके ऊपर एग्जाम्पल लेके कुछ क्वेश्चन किए थे। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि हमें रेडियस ही फाइंड करनी है कर्वेचर की, और उसमें भी हमारे पास कुछ और आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, उनका यूज करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। मोस्टली एक क्वेश्चन तो इसका जो है एग्जाम में हर बार जो है पूछा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, कब फाइंड करना है, जब हमारे पास जो कंडीशन है वो किस फॉर्म के अंदर दे रखी है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका।
तो सबसे पहला है कि अगर हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है, अगर हमारे पास आर की वैल्यू थीटा के अंदर या आर की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, अगर हमारे पास आर की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी कोई फंक्शन दे रखा है, तो हमें फिर क्या करना है, थीटा के अंदर भी हो सकता है, एक्स के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो आर की वैल्यू अगर हमारे पास दे रखी है, तो फिर हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि रा की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, आर स्क्वायर प्लस आर वन का स्क्वायर इसकी पावर जो है 3/2 डिवाइड बाई 2R1 इसका स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस R1R2। अब ये R1R2 क्या है, R तो आपके पास जो फंक्शन दे रखा है ये हो जाएगा, R1R2 है इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। ये तो हमारे पास फंक्शन जब R के अंदर दे रखा है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है, अगर हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो 1/r की फॉर्म में दे रखा है, यानी कि अगर 1/r की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, कोई फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, लेट मान के चलेंगे कि 1/r को मैं u मान के चलूंगा, ठीक है, 1/r को मैं u मान के चलूंगा, यानी कि फिर फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, u के अंदर आ जाएगा। और फिर अगर हमें रा की वैल्यू यानी कि रेडियस फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो u स्क्वायर प्लस u वन का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाई u की पावर 3 u प्लस u 2, ठीक है, वही u वन और u 2 क्या हो जाएगा, u का फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो इसके अंदर हम उसको पुट कर देंगे। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए, इससे आप जो है मोस्टली क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी करवाए हैं, सेकंड लेक्चर के अंदर आज मैं जो करवाऊंगा, तो ये जो थर्ड स्टेप है यानी कि थर्ड जो फार्मूला है, ये आइडेंटिटी है, इसके हेल्प से हम जो मोस्टली क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी हो, हमारे पास फंक्शन दे रखा हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले टेन फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेन फाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, आर डी थीटा बाई डी आर, यानी कि जो फंक्शन है अगर वो थीटा के अंदर है तो, ठीक है, तो डी यानी कि टेन फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर इक्वल टू डी थीटा बाई डी आर। अब ये डी थीटा बाई डी आर कहां से मिलेगा, आर का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और उसका फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। पी की वैल्यू क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि हमें रा की वैल्यू निकालने के लिए पी की वैल्यू की जो है हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि उसके अंदर इसका यूज होगा, तो आर साइन फाइव, ठीक है। अगर हम फर्स्ट स्टेप में टेन फाइव इक्वल टू ये लेके चलते हैं, तो हम यहां से फाइंड कर लेंगे फाइव की वैल्यू, फाइव की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहां पे उसको पुट कर देंगे, तो हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। इसका जो थर्ड स्टेप है जिसमें हमें रा की वैल्यू फाइंड करनी है, रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पी प्लस सॉरी आर इंटू डी आर बाई डी पी, तो इसके अंदर हम उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये है आपके तीन जो जिसके ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये जो फार्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है, ये जो आपको मेथड बताया मैंने, इससे जो है आप मोस्टली क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको उसकी आइडेंटिटीज का नहीं पता कि कैसे सोल्व करना है, तो आप ये याद रख सकते हो, इससे जो है मोस्टली क्वेश्चन जो है आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इससे भी क्वेश्चन करवाऊंगा और इनसे भी, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना एक बार, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आसानी से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनके ऊपर पहले एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, यानी कि आपकी एक्सरसाइज के ही 5.2 का, जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बोल रखा है शो दैट फॉर द सेंट्रोइड आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा, यानी कि आर इज इक्वल टू ए और वन प्लस कोस थीटा, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है।
और बोल रखा है कि हमें क्या शो करना है, द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर, यानी कि अगर कर्वेचर की रेडियस फाइंड करते हैं, यानी कि रा की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, तो क्या आनी चाहिए हमारी, ये हमारे पास 4a बाई 3 और cos थीटा बाई 2, ठीक है। एक तो हमें रा की वैल्यू ये फाइंड करनी है, और हमें ये भी शो करके दिखाना है कि अगर रा की वैल्यू उसका स्क्वायर कर दे और r से उसको डिवाइड करें तो 8a बाई 9, ये हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको शो करने के लिए मैं क्या करता हूं, तो मैं यहां से फर्स्ट मेथड जो आपका फर्स्ट आइडेंटिटी है इसका यूज करेंगे और थर्ड का भी यूज करेंगे, मैं दोनों मेथड से आपको ये सोल्व करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं फर्स्ट लेके चलता हूं, आर की वैल्यू दे रखी है हमें, तो मैं पहले इस आइडेंटिटी से इसको सोल्व करूंगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आर वन, यानी कि इस आइडेंटिटी के अंदर हमें आर वन और आर टू निकालना है, तो यानी कि आर का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए, और ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, यानी कि माइनस का ए साइन थीटा आ जाएगा, और आर टू निकालेंगे तो आर टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ए कोज थीटा, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इसके अंदर, तो रा की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा R का स्क्वायर, देखो इसके अंदर R का स्क्वायर है तो R की वैल्यू हमारे पास ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो A का भी स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस cos थीटा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस R1 का स्क्वायर, अब R1 ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, A स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा इसकी जो है ऑल पावर जो है 3/2 आ जाएगी, डिवाइड 2R1 का स्क्वायर, यानी कि 2 * R1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस अब हमें आर का स्क्वायर निकालना है तो आर हमारे पास ये है तो ए का भी स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा इसका भी और स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब आर और आर टू की मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई में निकलेंगे तो ए और ए की मल्टीप्लाई तो माइनस का ए आ जाएगा तो प्लस का ए स्क्वायर, ये आ जाएगा कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सोल्व कर देते हैं बस, तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसकी आइडेंटिटी ओपन कर देता हूँ, ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस 2ab करेंगे तो 2a स्क्वायर कोज थीटा प्लस, अब देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर को हम एज इज रखेंगे, इसकी जो पूरे पावर जो है 3/2 डिवाइड बाई, अंदर देखते हैं या नीचे क्या है 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसकी भी आइडेंटिटी ओपन करेंगे और ए स्क्वायर के इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, तो मैं यही लिख लेता हूं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा प्लस, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ऊपर से देखो अगर हमारे पास यहां भी ए स्क्वायर ये भी यहां ए स्क्वायर है तो मैं ए स्क्वायर को अगर कॉमन निकालूंगा तो ए स्क्वायर की पावर जो हो 3/2 भी कॉमन आएगी, तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 को भी हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा यहां पे 1 प्लस यहां पे कोस स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 यहां कोस थीटा आ जाएगा प्लस ये ए स्क्वायर कॉमन है तो साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे की पावर 3/2 डिवाइड बाई, इसमें से भी देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे 1 आ जाएगा प्लस यहां पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूं, देखो इसको अगर मैं कैंसिल कर देता हूं ए की पावर 3 बच जाएगी और ए की पावर 2 यहां पे ए की पावर 3 यहां पे है तो हमारे पास ए की पावर 1 रह जाएगी क्योंकि 2 पावर से 3 को हम कैंसिल कर देंगे। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये 1 के इक्वल होता है तो 1 ये हो गया हमारे पास 1 ही है तो ये 2 हो जाएगा प्लस ये एज इज 2 कोस थीटा इसका जो है 3/2 पावर है डिवाइड बाई, अंदर देखते हैं ये तो हमने कैंसिल कर दिया है तो देखो कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर तो 2 कोस स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर ये है तो 2 कोस स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर अगर इसमें से मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूं तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करिए तो 2 आ जाएगा तो मैं इन दोनों को
इसको भी और इसको भी, टू लिख सकता हूँ टू, और वन ये आ जाएगा तो थ्री हो जाएगा ये, ठीक है। तो टू तो हमारे पास यहां से आ जाएगा और वन ये है तो थ्री आ जाएगा प्लस, अगर इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो तीन कोस थीटा ये मिल जाएगा हमें। अब इसको सोल्व करेंगे तो ए तो हमारे पास है चीज, अगर मैं इसमें से टू को कॉमन निकाल लेता हूं तो टू की पावर भी थ्री बाई टू कॉमन आएगी हमारी, तो टू को कॉमन निकालेंगे तो टू की पावर भी थ्री बाई टू को हम कॉमन निकालेंगे और अंदर क्या बच जाएगा वन प्लस कोस थीटा की पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाई ये आ जाएगा। अगर मैं थ्री को कॉमन निकाल लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा वन प्लस कोस थीटा इसकी पावर वन है। अब देखो सेम है दोनों, अगर मैं इसकी वन पावर है इसकी थ्री बाई टू पावर है तो मैं अगर वन पावर को कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगी यहाँ पे हाफ पावर बच जाएगी यानी कि वन बाई टू पावर आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया टू की पावर थ्री बाई टू ए। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि अगर वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है वन प्लस कोस टू थीटा डिवाइड बाई टू, ठीक है। अगर हमें वन प्लस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं टू को इस साइड लेके आऊंगा तो टू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कोस टू थीटा आ जाएगा। हमें वन प्लस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमारे पास टू थीटा है तो मैं क्या करूंगा दोनों साइड दो से इसको डिवाइड कर दूंगा, एंगल को जो है दो से डिवाइड कर देंगे तो टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस कोस थीटा रह जाएगा। अगर मैं टू से डिवाइड कर देता हूं तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आइडेंटिटी है हमारी टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू की पावर जो है थ्री बाई टू आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास थ्री है, ठीक है ये आ जाएगा। अब देखो टू की पावर थ्री बाई टू और टू की पावर भी थ्री बाई टू, अगर इसको सोल्व करेंगे तो मैं ऊपर से इसको साफ कर देता हूं, इसको ऊपर लिख लेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास है? तो अब देखते हैं, तो देखो टू की पावर थ्री बाई टू, यहां पे वन बाई टू पावर बच गई थी ना तो ये वन बाई टू पावर हमारे, तो टू की पावर भी थ्री बाई टू, ये वन की पावर टू की पावर वन बाई टू, अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर क्या आ जाएगी यानी कि राइज इक्वल टू टू की पावर थ्री बाई टू इंटू टू की पावर वन बाई टू और ए। अब दो स्क्वेयर थीटा, देखो स्क्वेयर से अगर मैं वन बाई टू करूंगा तो स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा टू से टू, तो क्या बच जाएगा हमारे पास कोज थीटा बाई टू आ जाएगा, ठीक है डिवाइड बाई थ्री, ठीक है। अब पी राइज इक्वल टू, अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड हो जाएगी तो टू आ जाएगी यानी कि टू की पावर टू ए कोज थीटा बाई टू डिवाइड बाई थ्री। आप इसको क्या लिख सकते हैं फोर, तो यह आ जाएगा राइज इक्वल टू फोर ए कोज थीटा बाई टू डिवाइड बाई थ्री। तो यही तो हमें शो करके दिखाना था कि जो रा की वैल्यू है रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या आएगी, यह आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसने बोल रखा है कि ये शो करके दिखाओ यानी कि रा की वैल्यू अगर मैं रा का स्क्वायर डिवाइड बाय आर कर देता हूं तो इसके इक्वल लेके आना हमें। अब ये तो वैल्यू हमारे पास है तो मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं यानी कि इसके अंदर यहां पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा फोर ए बाई थ्री कोस थीटा बाई टू इसकी पावर जो है थ्री हो जाएगी डिवाइड बाई आर। आर की वैल्यू क्या है ए को वन प्लस कोस थीटा ये हो जाएगा। अब देखो अगर मैं थ्री फोर की पावर थ्री करता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 64 आ जाएगा और a की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 और cos की पावर 3 थीटा बाय 2 आ जाएगा डिवाइड में। देखो a तो हमारे पास है चीज, इसकी भी आइडेंटिटी है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी अगर जब हमने यहां पे आइडेंटिटी लगाई थी तो 2 cos square थीटा बाय 2 ये आ जाएगा। अब देखो अगर मैं इसे कैंसिल कर देता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास सॉरी r की पावर 2 है तो 2 पावर आएगी हमारे पास, ठीक है। तो मैं 2 पावर लेके चलूंगा तो 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा a की पावर 2 डिवाइड बाय 9 और cos स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय a एज। अब इसको देखो इसकी आइडेंटिटी हमारे पास ये है, ठीक है। अभी आप लोगों ने मैंने बताया था कि आइडेंटिटी कहां से आई है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया 2a। अब देखो मैं अगर ये p r² / r = ये क्या आ जाएगा हमारे पास
इसके डिवाइड में वन मान लेते हैं, वन को मैं ऊपर ले जाऊंगा और टू ए को जो है इसके पास ले आऊंगा, तो 16a² डिवाइड बाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 2 इंटू ए, अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8, ए की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी तो 8a डिवाइड बाई 9 ये आ जाएगा हमारे पास, और ये हमें शो करके दिखाना है। ये तो था अगर आप इस मेथड से करते हो, अगर आप इससे करते हो तो इससे कैसे सोल्व करेंगे। देखो अगर मैं सेकेंड मेथड जो है आपका, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप राह की वैल्यू निकालोगे तो इसको इसे देखो कैसे हम वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेन फाइव इज इक्वल टू, अगर टेन फाइव की वैल्यू निकालनी है तो आर इज इक्वल आर इंटू डी थीटा बाई डी आर, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ए और ये माइनस का साइन थीटा, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो इसका उल्टा करेंगे तो डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस का 1 बाई ए साइन थीटा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो टेन फाइव इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू हमारे पास है ए 1 प्लस कोस थीटा और इंटू में हमारे पास इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 बाई ए साइन थीटा, ए से ए कैंसिल कर देंगे तो टेन फाइव इज इक्वल टू, अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ये कि 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई, अब साइन माइनस आ गया जाएगी, अब साइन थीटा हमारे पास साइन 2 थीटा की जो आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा, अब 2 से क्या करेंगे साइड भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे इसको भी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा की आइडेंटिटी मिल जाएगी हमें, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे cos की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा माइनस का cos by sin यानी कि cot थीटा by 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास इस साइड तो है tan phi = 2 साइड आएगा माइनस का cot थीटा by 2, अब हमें ये भी जो है tan के अंदर कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें यहां से phi की वैल्यू फाइंड करनी है, तो phi की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इसको tan में कन्वर्ट कर देता हूं, tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan phi as is, आप लोगों ने क्वाड्रेंट पढ़ रखे होंगे प्लस टू के अंदर भी क्वाड्रेंट आए थे, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं tan 90 प्लस, अगर 90 प्लस करेंगे तो क्योंकि tan 90 प्लस क्योंकि tan 90 के ऊपर कोट में चेंज हो जाएगी और 90 में अगर प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है, थीटा बाई 2, देखो tan 90 के ऊपर कोट के अंदर चेंज हो जाएगी और थीटा हमारे पास एज इज रहेगा, अब 90 के अंदर कुछ ऐड है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है हमारे पास tan नेगेटिव होता है, तो इसको ऐसे tan से tan कैंसिल कर देंगे तो phi की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी pi by 2 plus थीटा by 2, अब हमारे पास phi की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, यहां से हमने फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर कर लिया, अब हमें सेकंड स्टेप के ऊपर आते हैं, तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो r sin phi, अब r हमारे पास ये है तो r 1 plus cos theta और sin phi की वैल्यू हमारे पास है pi by 2 plus theta by 2, अब p is equal to a तो हमारे पास है चीज, इसकी मैं फिर वही आइडेंटिटी लगा देता हूं 2 cos square theta by 2, अब इसको देखो sin 90 plus theta है तो साइन 90 के ऊपर तो कोस में चेंज हो जाएगा थीटा एल चीज, अब 90 में प्लस है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है तो एल चीज रहेगा हमारे पास, तो पी हमारे पास क्या जाएगा 2a और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस की पावर 3 थीटा बाई 2 यह आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना, आपका सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया, अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या है कि अगर रेडियस निकालनी यानी कि रा की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो रा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे तो r इंटू डी आर बाई डी पी, अब हमें इससे पहले डी पी यानी कि इसका डेरिवेटिव करना होगा r के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं वापस इसको r के अंदर ही रख देता तो थोड़ा और आसान हो जाता हमारे पास,
ठीक है, तो मैं इसको आर के अंदर लेके चलता हूँ, ठीक है, या फिर आप यहाँ से इसका डेरिवेटिव करके आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो मैं आर के अंदर लेके आता हूँ इसको, क्योंकि हमारा जो है पी का डेरिवेटिव जो है हमें आर के अंदर निकालना है। तो पी की वैल्यू आर साइन फाई, फाई की जगह पर हम लिख देंगे पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, ठीक है, पी इज इक्वल टू ये आ जाएगा आर, और साइन को अगर चेंज करेंगे तो कोज फाई बाई टू आ जाएगा। अब देखो कोज थीटा बाई टू, अगर मैं इसको भी आर के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं, यानी कि यहां से कोज थीटा बाई टू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कोज थीटा बाई टू की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आर में, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो आर को हम एज इज रखेंगे, ए को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा और वन प्लस कोज थीटा। अगर मैं वो इसका आइडेंटिटी यहीं पे लगा देता हूँ आर बाई ए इज इक्वल टू टू कोज स्क्वायर थीटा बाई टू, अगर टू को भी साइड लेके आएंगे तो आर बाई टू ए इज इक्वल टू कोज स्क्वायर थीटा बाई टू, अगर बोथ साइड रूट कर देंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो यानी कि कोज थीटा बाई टू की वैल्यू मिल जाएगी। तो पी इज इक्वल टू आर, इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास रूट के अंदर आर डिवाइड बाई टू ए, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाई टू ए, ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो R की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि रा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो R इंटू डी आर बाई डी पी, यहां से फिर हम इसका डेरिवेटिव भी निकाल लें एक बार, तो डी पी बाई डी आर, ठीक है, तो डी पी बाई डी आर करेंगे तो थ्री बाई टू को हम आगे लिख लेंगे, आर की पावर वन बाई टू आ जाएगी और टू ए जो है कॉन्स्टेंट है हमारे पास, ऐसी चीज रहेगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं तो डी आर बाई डी पी मिल जाएगा हमें, तो ये आ जाएगा फोर ए बाई थ्री रूट आर, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू हमें मिल गई, अब मैं इसके अंदर यहां पे पुट कर देता हूं इसको, यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो ये हमारे पास पूरे का रूट है, तो इसका भी रूट हमारे पास रह जाएगा, ठीक है, यहाँ भी इसका रूट बच जाएगा, तो इसको भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास से, अगर मैं इसका और ऐसे प्रोकल करता हूँ तो टू रूट टू ए डिवाइड बाई थ्री रूट आर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास है, इसके अंदर पुट कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू मिल जाएगी हमें आर आर इंटू ये हमारे पास टू रूट 2a डिवाइड बाई थ्री रूट आर। अब यहां से इसकी 1 पावर है, इसकी 1 बाई टू कैंसिल करेंगे तो हाफ पावर बच जाएगी, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा 2 रूट 2a, और ये रूट के अंदर r है तो r की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसको भी मैं r के अंदर लिख सकता हूं, क्योंकि रूट इसका भी रूट है इसका भी रूट है, तो दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू रख देता हूं मैं a और 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई थ्री है। अब आर इज इक्वल टू देखो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो ए आ जाएगा, तो टू ए, और ये हमारे पास रूट के अंदर है टू, इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे तो टू कोज स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइड बाई थ्री, तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू, ये भी टू का स्क्वायर हो गया, अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो फोर हो जाएगा, फोर ए डिवाइड बाई थ्री, और इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा तो कोज थीटा बाई टू। तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू इस आइडेंटिटी से भी जो है फाइंड कर सकते हो, ठीक है, पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे आपके पास अगर हमारे पास 1 बाई आर के अंदर वैल्यू, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है, तो उसके बाद आपको जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम अप्लाई करते हैं अगर आर के अंदर कोई भी वैल्यू दे रखी है और हमें इन आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है। तो देखो जैसे आपके अंदर मैथ के अंदर जैसे क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है, मैं इसका जो है सेकंड पार्ट लेता हूं, क्योंकि आपको आर की पावर एन के अंदर दे रखा है, तो आर की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन कोज एन थीटा, ये दे रखा है। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, r की वैल्यू r के अंदर फंक्शन दे रखा है लेकिन r की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड जो है लॉगरिथम से इसको अप्लाई कर देते हैं, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, टेकिंग
लॉगरिथम बोथ साइड, ठीक है। अगर हम बोथ साइड लॉगरिथम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉगरिथम आर की पावर एन इज इक्वल टू लॉगरिथम ए की पावर एन कोज एन थीटा, ठीक है। अब देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, प्लस टू के अंदर भी पढ़ रखी है, क्या है लॉगरिथम, अगर एन की पावर एन दे रखा है तो मैं पावर को आगे लिख सकता हूं, यानी कि एन लॉगरिथम एम लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही अगर हमारे पास लॉगरिथम एम इंटू एन दे रखा है तो इसको हम लॉगरिथम एम प्लस लॉगरिथम एन लिख सकते हैं। अगर हमारे पास डिवाइड में दे रखा हो एम बाई एन तो इसको हम लॉगरिथम एम माइनस लॉगरिथम एन लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, आपने डेरिवेटिव के अंदर इनको पढ़ रखा होगा प्लस टू के अंदर। अब देखो लॉगरिथम आर की पावर एन है तो मैं एन को आगे लिख लूंगा, लॉगरिथम आर भी जाएगा इज इक्वल टू, अब लॉगरिथम एम इसको मान लेता हूं, एन इसको मान लेता हूं, तो लॉगरिथम एम इंटू एन है तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉगरिथम ए की पावर एन प्लस लॉगरिथम कोस एन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास अगर इसके अंदर या इसके अंदर आपको लेके आना है या इस आइडेंटिटी का यूज करना है तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालना होगा r का, तो r का डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, n तो कांस्टेंट है एज इज रहेगा। लॉगरिथम का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई r, और r का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा के अंदर हम स्टेटमेंट लेके चले। अब ये तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, इसके अंदर तो थीटा है ही नहीं क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो ये तो जीरो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब वन बाई लॉगरिथम का करेंगे तो कोज एन थीटा, और एन थीटा कोज का करेंगे तो माइनस का साइन एन थीटा, और फिर एन थीटा करेंगे तो एन और आ जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं एन बाई आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा एन एज इज, और ये साइन बाई कोज तो इसको मैं tan n थीटा लिख सकता हूं, tan n थीटा। अगर मैं इसको साइड लेके जाऊंगा तो dr by d थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, dr by d थीटा क्या आ जाएगा, n n को लेके जाएंगे हम 1 by r को एज चीज रखेंगे, n को उस साइड लेके जाएंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का tan n थीटा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं तो हमें क्या मिल जाएगा, r d थीटा by dr की वैल्यू हमें निकालनी है तो d थीटा बाई डी आर हो जाएगा, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं तो r d थीटा बाई डी आर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये भी हमें फिर अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1 बाई टेन एन थीटा। अब देखो इसको मैं टेन फाई लिख सकता हूं क्योंकि r d थीटा बाई डी आर जो है टेन फाई के इक्वल होता है, तो टेन फाई इज इक्वल टू माइनस कोट एन थीटा हो जाएगा, 1 बाई टेन जो है कोट के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो tan phi तो हमारे पास एज इज, अगर मैं यहां से इसको tan में चेंज कर लेता हूं, माइनस को खत्म करेंगे तो tan, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं pi by 2 minus n theta, अब pi by 2 minus pi by 2 plus कर देंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, tan से tan कैंसिल कर देंगे तो phi की वैल्यू pi by 2 plus n theta आ जाएगी हमारी। अब हमारे पास pi by 2 phi की वैल्यू मिल गई, अब फाइव की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी इज इक्वल टू आर साइन फाइव की जगह पर हम लिख देंगे पाई बाई टू प्लस एन थीटा, ठीक है। अब साइन 90 प्लस थीटा तो हम इसको आर साइन 90 के ऊपर चेंज हो जाएगा कोज के अंदर, और एन थीटा हमारे पास है इस चीज, और 90 में अगर कुछ ऐड करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू आर कोस थीटा है, अगर मैं कोस एन थीटा की वैल्यू, कोस एन थीटा की वैल्यू आर के आर में निकालूं तो P की वैल्यू आर के अंदर आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो मैं कोस एन थीटा की वैल्यू आर के अंदर निकाल लेते हैं, तो यहां से कोस एन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि r की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n जो है cos n थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो p इज इक्वल टू r की पावर n माइनस वन सॉरी n प्लस वन डिवाइड बाई a की पावर n। अब p की वैल्यू अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूं तो डी पी बाई डी आर हमारे पास क्या मिल जाएगा, आर एन प्लस वन आगे आर की पावर, इसमें से वन को माइनस करेंगे तो एन बच जाएगा,
और डिवाइड में हमारे पास ए की पावर एन कॉन्स्टेंट है, इसको हम एस डीज रखेंगे, तो ये तो हमारे पास डेरिवेटिव हो गया। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि रा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, आर इंटू इसका रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर एन डिवाइड बाई एन प्लस वन और आर की पावर एन। ठीक है, तो मैं ये इसके अंदर पुट कर देता हूं, तो आर इंटू ए की पावर एन डिवाइड बाई ए प्लस सॉरी एन प्लस एक और ये आ जाएगा आर की पावर एन। ठीक है, अब देखो मैं आर की पावर एन वन यहां पे है, आर की पावर एन यहां पे, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो r की पावर n माइनस वन आ जाएगी, क्योंकि नीचे आने के बाद ये पावर जो है माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि p यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर a की पावर n n प्लस वन और ये आ जाएगा r की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब क्या करना है, हमें r की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। r की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो r की वैल्यू हम लोगों ने कहां से निकालेंगे, हम अगर r की वैल्यू निकालनी है या फिर हम यहीं तक भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, पता चल गया, तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। ठीक है, ये स्टेप्स जो है आपको तीनों क्लियर हो चुके होंगे कि कैसे इनको सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं अब इसके ऊपर तो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है, ये भी बता दिया, इसके ऊपर दो क्वेश्चन हो गए आपके। अगर कोई भी फंक्शन या कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास आर के अंदर आती है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, अगर हमारे पास फंक्शन 1 बाई आर के अंदर दे रखा है और वो u के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमारे पास 1 बाई आर के अंदर जो स्टेटमेंट दे रखी हो, तो ये आपका है 7th क्वेश्चन। जो 7th क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट आर थीटा ऑफ द कॉनिक एल बाई आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कोस थीटा। तो ये दे रखा है आपको एल बाई आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कोस थीटा, ये दे रखा है। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, अब 1 बाई आर के अंदर है ये, तो 1 बाई आर के अंदर जब हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन तो हम उसको क्या करते हैं u के अंदर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो u के अंदर चेंज करेंगे तो मैं मान के चलता हूं लेट यहां पे हम 1 बाई आर को u के इक्वल मान के चलेंगे। ठीक है, अब मैं पुट कर देता हूं यहां 1 बाई आर जो है u हो जाएगा, तो एल यू इज इक्वल टू वन प्लस ई कोस थीटा, एल को उस साइड ले जाऊंगा तो u इज इक्वल टू वन प्लस ई कोस थीटा डिवाइड बाई एल। ठीक है, अब देखो हमारे पास u में फंक्शन मिल गया, अब करना क्या है, u का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी हमें। तो u 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे यानी कि u का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो देखो इसको मैं अलग अलग डिवाइड लिख लेता हूं, पहले मैं इसको लिख लेता हूं 1 बाई एल प्लस ई बाई एल कोस थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है e बाई एल कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में है एल चीज रहेगा, साइन कोस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन थीटा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस का e बाई एल और साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे इसके अंदर इसको पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले क्या करना है यू का स्क्वायर, तो यू हमारे पास क्या है ये है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो रा की वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस ई कोस थीटा इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई एल का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यू 1 का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ई का भी स्क्वायर एल का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे के जो है 3/2 पावर डिवाइड बाई, अब यू की पावर 3 यानी कि u हमारे पास ये है तो इसकी पावर 3 करेंगे तो 1 प्लस e cos थीटा इसकी पावर भी 3 और l की पावर भी 3 आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई में लिखना है u प्लस ये 1 प्लस e cos थीटा डिवाइड बाई l और प्लस u2। अब u2 हमारे पास क्या है ये, तो माइनस का है ये, माइनस का e बाई l cos थीटा। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब देखो अगर मैं ऊपर इसकी आइडेंटिटी ओपन कर देता हूं और दोनों में एलसीएम ले लेंगे
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो मैं इसकी आइडेंटिटी ओपन कर देता हूं और एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास फिर एल स्क्वायर एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, तो इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो 1 प्लस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ई कोस थीटा और प्लस ये आ जाएगा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का जो है 3/2 पावर हमारे पास है डिवाइड बाई, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं एच डी रह लेता हूँ, पहले मैं इसको एच डी रह लेता हूँ फिर बाद में यहाँ अंदर एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस ई कोस थीटा इसकी पावर जो है 3 है डिवाइड बाई एल की पावर 3, अंदर हम एल एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस ई कोस थीटा यह आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या आ गया हमारे पास, अगर इसको सोल्व करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू यानी कि रा इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं तो ई स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, ई स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2ई कोस थीटा, ठीक है, इसकी पावर जो है 3/2 आ जाएगा डिवाइड। अब 1 प्लस ये L की पावर अगर 3/2 करेंगे तो L की पावर 3 रह जाएगा क्योंकि 2 पावर से जो है 2 कैंसिल हो जाएगा और L की पावर 3 बच जाएगा डिवाइड बाई, अंदर देखो अगर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस E cos थीटा की पावर 3 और डिवाइड बाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो L की पावर 4, अब 3 पावर जो कैंसिल कर देंगे तो 1 पावर आ जाएगी, L को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास L 1 प्लस E स्क्वायर प्लस 2E cos थीटा इसकी पावर 3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस ई कोस थीटा की पावर 3, ठीक है ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है पता चल गया कैसे सोल्व करना है। अगर हमारे पास R के अंदर कोई फंक्शन दे रखा है तो ये पैडल इक्वेशन है आपकी, तो पैडल इक्वेशन से आप जो है मोस्टली क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से सोल्व कर सकते हो, ठीक है R की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम आगे यही मेथड अप्लाई कर देंगे तो इसे भी ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा। तो ये मोस्टली जितने भी आपके पास क्वेश्चन है उन सभी में जो है अप्लाई हो सकता है, ठीक है अगर R के अंदर फंक्शन है तो, ठीक है तो ये आपके तीन जो आइडेंटिटीज थी इनके ऊपर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन करके देखे हैं, ठीक है तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थर्ड एक्सरसाइज या इससे जो एक दो आइडेंटिटी और हैं जिनसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो मैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा, ठीक है थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो 5.2 है उसके कुछ आइडेंटिटीज बताई थी और उनके ऊपर क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं वो बताई थी। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर भी 5.2 के ही कुछ क्वेश्चन हैं, मैं आपको इसका जो है सेकेंड पार्ट आज करवाने जा रहा हूँ। इसके अंदर क्या है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में तो बता दिया था कि अगर हमारे पास R में वैल्यू दे रखी है, R या थीटा के अंदर वैल्यू दे रखी है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है आज अगर R के अंदर है या 1/r के अंदर है, U के अंदर लेके आनी है, ठीक है ये तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, पैडल इक्वेशन है उसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये तो था आपका पिछला लेक्चर। अब आज के लेक्चर में क्या है, अगर हमारे पास जो फंक्शन दे रखी हैं वो R, P और R के अंदर दे रखे हों या P या साई के अंदर दे रखे हों, ठीक है तो उसके क्वेश्चन जो हम कैसे सोल्व करेंगे, तो उसको करने के लिए जैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर हमारे पास फंक्शन P और साई के अंदर दे रखा है यानी कि P और साई के अंदर अगर फंक्शन दे रखा है, ठीक है तो हम क्या करेंगे, तो रा की वैल्यू निकालनी है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, P प्लस डी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर, यानी कि P के तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी तो हमें वहां से निकाल लेंगे क्योंकि P और साई के अंदर हमारे पास फंक्शन मिलेगा, ठीक है P की वैल्यू हम वहां से निकालेंगे और ये क्या है P का डबल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू साई, साई के रिस्पेक्ट में हम P का डबल डेरिवेटिव कर देंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो उसका सोल्यूशन आ जाएगा यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी। सेकेंड है आज आपके लिए कि अगर हमारे पास P या फिर R के अंदर फंक्शन दे रखा है
यानी कि पी की वैल्यू आर के अंदर या आर की वैल्यू पी के अंदर दे रखी हो, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे? तो फिर रेडियस और कर्वेचर फाइंड करनी है। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको पैडल इक्वेशन बताई थी, उसके अंदर भी आप लोगों ने इसका यूज किया था, ठीक है। तो क्या थी हमारे पास, आर डी आर वाई डी पी, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे हम, ठीक है, पता चल गया। कुछ और बातें हैं, जैसे थर्ड है, जैसे हमारे पास साइन साई में वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अगर साइन साई में है या फिर फंक्शन हमारे पास वाई और एस के अंदर है, ठीक है, वाई और एस के अंदर है, और हमें फिर क्या करना है, डी वाई बाई डी एस, उसको हम साई साई से डिनोट करते हैं, साइन साई से डिनोट करते हैं। फोर्थ है, अगर हमारे पास फंक्शन जो है एक्स और एस के अंदर दे रखा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, जो कोज साई है उसकी वैल्यू हम लेके चलते थे डी एक्स बाई डी एस, ठीक है। अब फाइव है हमारे पास, अगर हमारे पास फंक्शन जो है एक्स और वाई के अंदर दे रखा है, एक्स और वाई के अंदर दे रखा है, और हमें साई में ही उसका कन्वर्ट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम टेन साई से डिनोट करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो फर्स्ट लेक्चर था रेडियस ऑफ कर्वेचर का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास फंक्शन जो दे रखा हो वो एस की वैल्यू साई के अंदर दे रखी हो, ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, डी एस बाई डी साई फाइंड कर लेंगे, तो वो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास अगर वाई और एस के अंदर दे रखा है, तो y और s के अंदर दे रखा है, तो हमें तो डी एस बाई डी साई निकालना है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एस को हम साइन साई से डिनोट कर देंगे, ठीक है। मैं इसके ऊपर एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। अब देख लेते हैं, पहले मैं इसके ऊपर क्वेश्चन लेके चलता हूं, क्योंकि ये 5.2 एक्सरसाइज आपकी, इस 5.2 एक्सरसाइज के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसका जो है सेकेंड पार्ट ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, जैसे आपके मैथ में है ये फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन जो है ये इन दोनों मेथड्स के ऊपर है, फर्स्ट और टू इनके ऊपर है। जैसे आपको मैं पहले ये आइडेंटिटी लिख रखी है, तो मैं पहले आपको सिक्स्थ क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास इक्वेशन दे रखी है पी इज इक्वल टू ए वन प्लस साइन साइन, ठीक है, ये दे रखा है। देखो पी की वैल्यू पी और साई के अंदर फंक्शन है, P और साई के अंदर फंक्शन है, तो अभी क्या निकालना है यहां से? सबसे पहले तो हमें P की वैल्यू तो निकालनी है, वो तो हमारे पास दे रखी है। अब हमें P का डबल डेरिवेटिव निकालना है और उसकी वैल्यू वहां पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर पहले तो मैं डबल डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, तो डी पी बाई डी साई क्या आ जाएगा, ए तो कॉन्स्टेंट है, एज चीज रहेगा, वन का जीरो हो जाएगा, साई का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस साई, ठीक है, और साई का वन हो जाएगा, क्योंकि साई के रिस्पेक्ट में ही है, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब सेकंड करेंगे तो डी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर, अब देखो ए तो हमारे पास एस डी कोस का करेंगे तो माइनस का साइन साई आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू मिल गई डबल डेरिवेटिव की। इसके अंदर पुट कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर रा की वैल्यू, रा से डिनोट करते हैं हम, तो पी की वैल्यू है हमारे पास ए वन प्लस का साइन साई और प्लस, अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है माइनस का ए साइन साई, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मिल जाएगी, ए प्लस ए साइन साई माइनस ए साइन साई, तो ए साइन साई से ये कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, ठीक है, पता चल गया कैसे सोल्व करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं आपका, जैसे इसके अंदर आपको दे रखा है, अगर आपके पास P और साई के अंदर कोई भी फंक्शन है तो उसको कैसे सोल्व करना है, इसके ऊपर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं और आपको बता देता हूं फिर वो कैसे सोल्व होगा। जैसे हमारे पास सिक्स का ये रखा है तीन पार्ट साइज के, तो देखो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर को स्क्वेयर साई और प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साई, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो पी और साई के अंदर दे रखा है, ठीक है, हमें यहां से क्या करना है, पी की वैल्यू भी फाइंड करनी है और डबल डेरिवेटिव भी फाइंड करना है पी का, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो मैं डबल डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, तो कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टू पावर आगे पी की पावर वन रह जाएगी और पी का डेरिवेटिव डी पी बाई डी साई आ जाएगा,
इज इक्वल टू, अब हमारे पास ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, टू पावर आगे लेके आएंगे, कोस की पावर जो है वन रह जाएगी, और फिर कोस का करेंगे तो माइनस का साइन साई आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक प्लस। अब बी स्क्वायर एच डी कॉन्स्टेंट है, साइन स्क्वायर का करेंगे तो टू पावर को आगे लिख लेंगे, साइन की पावर वन रह जाएगी, और फिर साइन का करेंगे तो कोस साई आ जाएगा, ठीक है। टू पी डी पी वाई डी साई एच डी इज इक्वल टू, देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी आइडेंटिटी बताई थी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल, ठीक है। तो माइनस ए स्क्वायर को एच डी लिख लेंगे, और इसको मैं साइन 2 साई लिख सकता हूं। अब देखो इसके अंदर प्लस, ये भी हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो बी स्क्वायर एच डी मैं इसको साइन 2 साई लिख सकता हूं, ठीक है ये आ जाएगा। अब साइन 2 साई जो है कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या जाएगा 2 पी डी पी बाई डी साई, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं साइन 2 साई को कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लें, अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तो कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको एच डी रख लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये यू और ये भी हो जाएगा, तो यू एच डी अगर डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है डबल डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस। अब की बार डी पी बाई डी साई एच डी, पी का डेरिवेटिव करेंगे तो पी का डेरिवेटिव क्या आएगा, यही आएगा, यानी कि डी पी बाई डी साई आ जाएगा हमारे पास, और इक्वल टू में अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, इसको हम एच डी रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का करेंगे, साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस टू साई आ जाएगा, और फिर टू साई का करेंगे तो 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है ये इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पी डी स्क्वायर पी डिवाइड बाई डी साई स्क्वायर प्लस। अब देखो डी पी बाई डी साई, ये भी डी पी बाई डी साई है, तो मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास है डी पी बाई डी साई की, क्या वैल्यू है, अगर मैं 2 पी को इस साइड लेके जाता हूं तो डी पी बाई डी साई की वैल्यू मिल जाएगी हमें, क्या वैल्यू मिल जाएगी, इसके डिवाइड में हम 2p कर दें, यानी कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और साइन 2 साई डिवाइड बाय 2p, ये हमारे पास dp by d साई की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसके अंदर अगर रख देता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 2 साई आ जाएगा डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, पी का स्क्वायर तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम एच डी रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कोज 2 साइन, यहां तक पता चल गया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं बाकी को उस साइड ले जाऊंगा, तो बाकी को उस साइड ले जाएंगे तो डी पी डी स्क्वायर पी डिवाइड बाई डी साइन साई स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और कोज 2 साइन, और ये इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 साइन डिवाइड बाई 4 पी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं पी को भी उस साइड लेके जाऊंगा तो इसके भी डिवाइड में आ जाएगा और इसके भी डिवाइड में आ जाएगा, यहां से हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डी स्क्वायर पी बाई डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू, p को मैं उस साइड ले जाऊंगा और इसमें से क्या करूंगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास cos 2 साई डिवाइड बाय p, ये p साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 साई डिवाइड बाय 4 p की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये p जो है इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, यहां तक पता चल गया। अब देखो अगर मैं यहाँ p की पावर 4p की पावर 3 अगर एलसीएम ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, मैं ऊपर से इसको साफ कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा अगर हमारे पास है? अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो देखते हैं, ये आ जाएगा डी स्क्वायर p डिवाइड बाय डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है। अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एच डी, सॉरी यहाँ पे 2 पावर है तो यहाँ पे 1 पावर हो रहा है इसकी मल्टीप्लाई में,
तो वन पावर और लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर इसके अंदर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम क्या आएगा, पी की पावर थ्री और फोर। देखो अगर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर पी स्क्वायर कोज टू साई, फोर पी स्क्वायर कोज टू साई माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टू साई और मल्टीप्लाई में हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। अब हमें देखो हमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई है, अब क्या करना है p प्लस इसके अंदर देखो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी p प्लस इसको लिख लेंगे, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो फोर पी की पावर टू और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोज टू साइन माइनस यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका और स्क्वायर और साइन स्क्वायर टू साइन डिवाइड बाई फोर बी की पावर थ्री। तो अगर यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास फोर बी की पावर थ्री एच डी, अगर इसके अंदर लेंगे तो फोर बी की पावर फोर हो जाएगा प्लस ये फोर बी स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोज टू फाइव प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर टू फाइव साई आ जाएगा, ठीक है, यहां तक पता चल गया। अब देखो आप लोगों को जो स्टेटमेंट दे रखी थी, स्टेटमेंट क्या दे रखी थी मैं आपको एक बार स्टेटमेंट लिख लेता हूं, स्टेटमेंट दे रखी थी आपको कि अगर फंक्शन जो है मैं इसको साफ कर देता हूं, स्टेटमेंट आपकी दे रखी है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई ये दे रखी थी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर मैं p की पावर 4 है इसको p की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो p की पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 एच डी, मैं इसको लिख लेता हूं ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई और यह आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई और इसकी पावर 2, ठीक है, प्लस 4। अब की बार पी की स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास तो मैं इसको एच डी लिख लेता हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसकी जगह पर मैं वापिस ये वैल्यू पुट कर देता हूँ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, माइनस इसको हम एच डी रखेंगे, ठीक है, तो इसको साफ कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगी आपके पास क्या वैल्यू मिल जाएगी माइनस सॉरी ये कोस स्क्वायर साई कोस टू साई एच डी रहेगा कोस टू साई माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टू साई डिवाइड बाई फोर बी की पावर थ्री ये मिल जाएगा हमें। अब ये मिल जाएगा देखो अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास अगर मैं इनको सोल्व करूंगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो एच डी रहेगा, 4b हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और इसकी 1 पावर जो है वो भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा मैं वो ले लेता हूं तो 4 और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई इसको तो कॉमन ले लेंगे हम, अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 पावर रह जाएगी तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साई आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब देखो 4 हमारे पास कॉमन है ये भी कॉमन आ चुका है तो क्या बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कोस 2 साई ये आ जाएगा अंदर हमारे पास माइनस इसको एच डी रखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2 साई डिवाइड में हमारे पास 4p की पावर 3 है इसको हम एच डी रखेंगे। अब देखो r तो हमारे पास चलती रहेगी तो 4 और इसको एच डी ए स्क्वायर और ये आ जाएगा cos स्क्वायर साई प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर साई और देखो अंदर अगर cos मैंने आपको cos 2 थीटा के जो है 4 आइडेंटिटीज बताई थी क्या थी हमारे पास अगर cos 2 थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
और 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा और 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस का 1। अगर टेन में लेके आना है तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो ये 4 आइडेंटिटी थी कोस 2 थीटा ली। अगर मैं इसकी जगह पर ये आइडेंटिटी ओपन कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो मैं इसको एज इज रख लेता हूँ एक बार, कोस स्क्वेयर साई प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साई प्लस। अब इसकी वैल्यू अगर मैं वो पुट कर देता हूँ और बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को एज इज रखेंगे, इसकी जगह पर हम लिख लेंगे कोस स्क्वेयर साई माइनस साइन स्क्वेयर साई, ठीक है, ये आ जाएगा। और माइनस इसको एज इज रख लेंगे साइन स्क्वेयर और स्क्वेयर, तो साइन की पावर 2 साइन, ठीक है। अब डिवाइड में हमारे पास जो है उसको हम 4p की पावर 3। अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं आपस में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वेयर cos स्क्वेयर साइन प्लस b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साइन, और ये अंदर आ जाएगा a स्क्वेयर cos स्क्वेयर साइन प्लस b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साइन। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साई, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साई। अब ए स्क्वेयर की करेंगे तो माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साई, और ए की इसके साथ करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साई, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको हम एस्टिज रखेंगे माइनस का बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर 2 साई, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास है तो जो डिवाइड में है उसको तो हम डिवाइड में ही रखेंगे 4p की पावर 3। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, a स्क्वायर cos स्क्वायर sin, a स्क्वायर cos स्क्वायर sin है, ये भी a स्क्वायर cos स्क्वायर sin है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं यहां से, ठीक है। अब b स्क्वायर sin स्क्वायर sin, ये b स्क्वायर sin स्क्वायर sin, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखो, ये हमारे पास बच जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर sin प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर sin, ठीक है। तो मैं इसको जो है यहां पे लिख लेता हूं, तो क्या आ जाएगा फिर अगर इसको सोल्व करने के बाद, इसको तो हम एस टीज रखेंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साइन प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साइन, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साइन, और ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साइन, ठीक है। और हमारे पास है फिर माइनस का बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर, और फिर है साइन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साइन साइन स्क्वेयर 2 साइन, ठीक है। अब देखो डिवाइड में हमारे पास 4p की पावर 3, इसको हम एज इज रखेंगे। अब आर को हमारे पास एज इज, देखो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां भी स्क्वेयर ओपन करने के बाद अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखते हैं। तो 4 को मैं एज इज रख लेता हूं, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 4 साइन स्क्वेयर साई और कोज स्क्वेयर साइन, यह आ जाएगा। प्लस अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूं तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कोज की पावर 4 आ जाएगी 4 साई, ठीक है। अगर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और साइन की पावर 4 साई आ जाएगा। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर 4 और ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर साई कोस स्क्वेयर साई, ठीक है। अब अगर मैं इसकी आइडेंटिटी ओपन करता हूं तो आइडेंटिटी ओपन करने के बाद क्या आ जाएगा, बी की पावर 4 माइनस ए की प्लस ए की पावर 4 माइनस का 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और हम इसको जो है साइन स्क्वेयर 2 साई को एज इज रख लेंगे, ठीक है, पता चल गया यहां तक। तो आगे देखते हैं, अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, मैं 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ए स्क्वेयर की पावर 4 साइन स्क्वेयर साई कोस स्क्वेयर साई प्लस 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कोस की पावर 4 साई प्लस 4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर साइन की पावर 4 साई प्लस 4 बी स्क्वेयर बी की पावर 4 साइन स्क्वेयर साई कोस स्क्वेयर साई, ठीक है। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद बी की पावर 4 और साइन स्क्वेयर 2 साई आ जाएगा,
ठीक है। अगर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टू साई आ जाएगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टू साई, ठीक है। माइनस को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में हमारे पास जो है उसको हम एस टीज रखेंगे डिवाइड में, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास 1 बाई 4 पी की पावर 3 है, ठीक है। तो 4 पी की पावर 3 एस टीज रहेगा, तो 1 बाई 4 पी की पावर 3 को हम एस टीज रख लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा। अगर मैं माइनस को अंदर लेके जाता हूँ, देखो 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अगर मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख देंगे तो 2 का भी स्क्वायर साइन का भी स्क्वायर कोस का भी स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पूरे का जब होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन साई कोस साई इसका होल स्क्वायर प्लस इसको हम एज इट इज रखेंगे, ये और ये हमारे पास। अगर इसमें से कॉमन निकालें हम 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, पहले मैं ये लिख लेता हूँ क्योंकि इसको भी हम b की पावर 4 और इसको भी मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। साइन की पावर भी 2 है और कोस की पावर भी 2 है, तो पूरे के जो है और उसके लिख लेंगे। अब इसमें से और इसमें से अगर मैं 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4 साई और प्लस कोस की पावर 4 साई आ जाएगा, ठीक है। माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो बी की पावर 4 साइन की पावर 2 साई प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा अंदर जाने के बाद, माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साई और प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साई, ठीक है। यहां तक ये पता चल गया। अब देखो अगर मैं इसको 1 बाई 4 पी की पावर 3 तो एस डीज रहेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 4 इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है ये, तो 2 साई इसका होल स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इसको भी मैं साइन 2 साइन का स्क्वायर 2 साई आ जाएगा और ये प्लस का इसको देखो, चलो इसको हम क्या लिखेंगे 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर मैं इसको भी स्क्वायर का जो है स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे तो क्या आइडेंटिटी बनी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो हम टू आइडेंटिटीज हैं इसकी जो हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट आइडेंटिटी तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ ए प्लस बी इसकी पावर इसका होल स्क्वायर, ये आप लोगों को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लेके सकता हूँ ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आ जाएगा, लेकिन हमें तो क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस का टू ए बी आ जाएगा। अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमें कौन सा अप्लाई करना है। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर यहाँ से निकालूंगा तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस का टू ए बी आ जाएगा। अब इन दोनों में से दोनों की आइडेंटिटी इस ए की आइडेंटिटी है दोनों, तो मैं इनमें से कौन सी अप्लाई करूँगा, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि देखो यहाँ साइन स्क्वायर है यहाँ कोस स्क्वायर है, अगर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। कुछ वैल्यू कम हो रही है हमारी तो हमें वैल्यू कम करने से ही जो है आंसर मिलेगा, तो वैल्यू को कम कैसे करेंगे, तो ये आइडेंटिटी लगा देता हूँ मैं, तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये ए, ए हमारे पास है साइन स्क्वायर साई प्लस बी, बी हमारे पास है कोस स्क्वायर साई इसका होल स्क्वायर और माइनस टू साइन स्क्वायर साई कोस स्क्वायर साई, ठीक है ये आ जाएगा प्लस बी की पावर 4 साइन की पावर 2 साई और माइनस ए की पावर भी 4 आएगी, यहाँ ए की पावर भी 4 आएगी क्योंकि ए की पावर 4 है, तो ए की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 साई और ये प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साई आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक पता चलेगा। अब देखो 1 बाई 4 पी की पावर 3 एच डी ए की पावर 4 और ये भी ए की पावर 4 तो दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। अब बी की पावर 4 साइन स्क्वायर है और यहां भी बी की पावर 4 है तो ये भी हमारे पास जो है ये तो ऐड हो जाएगा, तो मैं इसको
लिख लेता हूँ b की पावर 4, 2b की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 साई आ जाएगा ये, ठीक है। और अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 1 के इक्वल हो गया, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का। देखो 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर b स्क्वायर और इसको साइन स्क्वायर 2 साइन लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस का हमारे पास बच गया 2a स्क्वायर b स्क्वायर साइन की पावर 2 2 साइन, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4p की पावर 3, ठीक है। तो ये अंदर बच गया हमारे पास ये 2b की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 साई प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें से मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ या फिर इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो 4 को भी कॉमन निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो r इज इक्वल टू ये 1/4p की पावर 3 और मैं 2 को कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास है? इसको मैं b की पावर 2 भी हम कॉमन निकाल सकते हैं तो 2b की पावर 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास b की पावर 2 और साइन स्क्वायर 2 साइन, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 2b की पावर b की पावर 2 तो हमने कॉमन निकाली है तो 2a स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा यानी कि बी स्क्वायर बाय 2b की पावर 3 और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 5 प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो तो p की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप इतना ही इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। पता चल गया कि अगर हम p की वैल्यू p में और साई के अंदर हमारे पास फंक्शन दे रखा है तो उससे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मैंने आपको सेकेंड मेथड बताया था तो सेकेंड क्या है, अगर हमारे पास फंक्शन दे रखा है, अब सेकंड मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि p और r के अंदर अगर हमारे पास वैल्यू दे रखी है और हमें फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड करनी है तो r dr by dp फाइंड करना था हमें, ठीक है। तो देखो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके ऊपर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, आप इसको देखो मैं इसका एक पार्ट करवा के दिखा देता हूं आपको। 2ap square is equal to ये दे रखा है r की पावर 3, तो ये r की पावर 3 दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें से भी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है तो p और r के अंदर फंक्शन है, ठीक है, इसका यूज करेंगे तो हम कैसे यूज करेंगे इसका, तो देखो 2a square 2a तो हमारे पास कांस्टेंट है, अगर डेरिवेटिव करूंगा तो 2 पावर आगे आ जाएगी p की पावर 1 और dp by d आर मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे हम और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3r की पावर 2 और r का 1 हो जाएगा। आप इसको जरूरी नहीं है इस मेथड से करोगे, आप इसका डेरिवेटिव जो है पी का r के रिस्पेक्ट में भी पी के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव कर सकते हो। पी के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, जैसे मैं r की पावर 3 का करूंगा तो 3r की पावर 2 और dr by dp आ जाएगा इज इक्वल टू, अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 2 पावर आ गया तो 4a p की पावर 1 रह जाएगी और फिर p का करेंगे तो p के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां से मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूं dr by dp की क्या आ जाएगी 4ap डिवाइड बाय 3r की पावर 2, ठीक है। लेकिन अभी यहां क्या होगा, अब p की वैल्यू भी रखनी होगी, ठीक है। तो p की वैल्यू रखेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, पहले मैं इसको इसके अंदर पुट कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव तो मिल गया, उसके अंदर पुट करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू या r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r r की वैल्यू हमारे पास इसमें से निकालनी होगी तो r इनटू ये लिख लेते हैं हम 4ap डिवाइड बाय 3r स्क्वायर। अब r की 1 पावर से 1 पावर कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4ap डिवाइड बाय 3r। अब इसमें से देखो अगर मैं p की वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर रख देता हूं तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी यानी कि 2a को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास r की पावर 3 डिवाइड बाय 2a, दोनों साइड अगर रूट कर देंगे तो p इज इक्वल टू r की पावर तो आ जाएगी 3 बाय 2 डिवाइड में रूट में आ जाएगा 2a, ठीक है। यहां पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा 4a और p ये डिवाइड में 3r इसकी जगह पर हम रख देंगे r की पावर 3 बाय 2 डिवाइड बाय रूट 2a, ठीक है।
अब देखो r की पावर 1 यहां पे और 1 बाई 3 बाई 2 यहां पे, तो 1 पावर को कैंसिल करेंगे तो 1 बाई 2 बच जाएगी हमारे पास, यानी कि ये आ जाएगा 4ar की पावर 1 बाई 2 को रूट लिख सकते हैं डिवाइड बाई 3 रूट 2a। अब रूट 2 है, इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2a रूट r डिवाइड बाई 3। देखो रूट 2 है और रूट a है, तो एक रूट इसके ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ए भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू रूट ए 2a r और डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, पता चल गया। अगर हमारे पास फंक्शन p और r के अंदर दे रखा है और उसमें से हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये तो था आपका 5.2 का जो सेकंड पार्ट है, कुछ क्वेश्चन आपके बच गए थे तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 5.3 एक्सरसाइज करवाऊंगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको 5.3 एक्सरसाइज करवाऊंगा। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हम तीन मेथड हैं, थ्री मेथड्स हैं, जिनसे हम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उन तीनों मेथडों में से जैसे मैंने आपको फर्स्ट मेथड तो करवा भी रखा है कि डायरेक्ट मेथड बोलते हैं जिसको, हम डायरेक्ट मेथड से मैंने आपको करवा भी रखा है, मैंने आपको ये आइडेंटिटी बता भी रखी है कि अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, 1 प्लस वाई डैश की पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई वाई का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। ये तो है आपका डायरेक्ट मेथड, इसे हमने जो है पिछले क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसी के ऊपर जो है हमें न्यूटन मेथड लगाना है या फिर हमें इसका जो एक्सपेंशन वाला मेथड है वो लगाना है, जिसमें हम मैकलेरियन एक्सपेंशन का मेथड लगाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास अगर मैकलेरियन एक्सपेंशन अगर हम मैकलेरियन एक्सपेंशन का मेथड लगाते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जैसे हम जो इसकी एक्सप्रेशन लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू बोल सकते हो आप, f डैश f ऑफ 0, ठीक है, प्लस f x इंटू f डैश x या 0 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0, ऐसे ही x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल f डबल ट्रिपल डैश 0, ऐसे हमारे पास ये चलती रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आज हम करेंगे, अगर ओरिजिन में से पास हो रहे हैं, यानी कि अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है एट द ओरिजिन से, तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर ओरिजिन से फाइंड कर रहे हैं हम, तो ओरिजिन से फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0-0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अगर मैं इनके अंदर देखो, पहले तो मैं इसके अंदर मैं मान लेता हूँ, लेट मान के चले क्या कि अगर हमारे पास ओरिजिन में से पास हो रहा है और f डैश x, f डैश 0 को तो मैं p मान लेता हूँ, ठीक है, f डबल डैश 0 को क्यों मान लेते हैं, ऐसे ही f ट्रिपल डैश 0 को हम r मान लेते हैं, ऐसे ही मानते चलेंगे जहां तक हमारी एक्सप्रेशन जो है ओपन होगी। अब देखो इसमें से अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये अगर हम ओरिजिन पे लेके चले हैं तो f 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, f 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी, इसको मैं p मान के चला हूँ तो p x हो जाएगा, ठीक है, प्लस अगर इसको मैं q मान के चला हूँ तो ये हमारे पास है x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और ये q आ जाएगा, प्लस इसको मैं r मान के चला हूँ तो x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और ये r हो जाएगा हमारे पास, ऐसे ही एक्सपेंशन जो है चलती रहेगी। अब देखो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर देता हूँ y1 अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो p आ जाएगा, प्लस 2x डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल को हम 2 ही लिख सकते हैं और क्यों हमारे पास एच डी जाएगा, प्लस 3x की पावर 2 डिवाइड बाई इसको मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ और r हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि हम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अगर ओरिजिन में से निकालेंगे तो ओरिजिन से कैसे निकालेंगे, तो इसमें x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0-0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास x है तो x है इसके अंदर भी x है तो ये पूरी 0 हो जाएगी, यानी कि आगे की टर्म जो है वो सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, तो y1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें p मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं डबल डेरिवेटिव कर देता हूँ इसका,
तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये यहाँ से क्यू आ जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ से थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टू फैक्टोरियल है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टू पावर आगे एक्स की पावर वन रह जाएगी, आर हमारे पास एस चीज, और टू को हम टू फैक्टोरियल को हम टू लिख सकते हैं, ऐसे ही आगे चलती रहेगी, तो टू से टू कैंसिल, तो वाई टू हमारे पास आ जाएगा क्यू प्लस एक्स आर प्लस, ऐसे ही एक्सपेंशन जो है आगे चलती रहेगी। अब ओरिजिन में से पास हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को जीरो लेके चलेंगे, तो वाई टू जो है वो हमारे पास क्यू मिल जाएगा, ठीक है। अगर जो डायरेक्ट मेथड आप लोगों ने कर रखा है तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो कैसे आएगी, वन प्लस वाई वन की वैल्यू क्या आई हमारे पास पी, तो वाई वन की वैल्यू आई है पी इसकी पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाई वाई टू की वैल्यू क्या आई है क्यों, तो हम यहाँ पे क्यों लिख देंगे। तो ये तो है आपका, अगर आपके पास एक्सपेंशन दे रखी है या फिर आप एक्सपेंशन से कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हम उसको जो है इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। अब देखो अगर हमारे पास न्यूटन मेथड से सोल्व करना है, ये तो थी अगर एक्सपेंशन से सोल्व करना है, अगर न्यूटन मेथड से सोल्व करना है तो न्यूटन मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, तो न्यूटन देखो न्यूटन मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर हमारे पास न्यूटन मेथड को सोल्व करने के लिए भी हमारे पास दो स्टेप्स हैं, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, न्यूटन मेथड से अगर मैं न्यूटन मेथड से कोई भी क्वेश्चन करता हूँ तो उसके टू स्टेप्स क्या है हमारे पास, तो फर्स्ट स्टेप है अगर इफ हम जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस, यानी कि इफ एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट, यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस को जो है टेंजेंट लेके चले हैं और उसका जो कर्व है टू द कर्व क्या आ जाएगा हमारा, यानी ओरिजिन से होगा टू, ठीक है, एट ओरिजिन। देखो अगर हम x एक्सिस जो टेंजेंट है कर्व के जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के लेके चले हैं ओरिजिन से, तो हम क्या करेंगे रा की वैल्यू निकालने के लिए तो लिमिट लेके चलेंगे, x की वैल्यू भी जीरो लेके चलेंगे और y की वैल्यू भी जीरो लेके चलेंगे, x की वैल्यू भी जीरो पुट करेंगे और y की वैल्यू भी जीरो पुट कर देंगे। फिर हमारे पास जब x और y की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद हमारे पास जो आएगी वो फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर हमें उसको कन्वर्ट करना है, यानी कि जो भी आपके पास क्वेश्चन दे रखा है उसको हम इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे और x और y बाकी जो स्टेटमेंट है उनकी जगह पर हम जो है जीरो पुट कर देंगे, और अगर ऐसी एक्सपेंशन आती है या इस फॉर्म में आता है तो हम उसको रा लिख सकते हैं, ठीक है, पता चल गया। यदि हमारे पास इफ सेकेंड स्टेप क्या है, इफ y एक्सिस इज टेंजेंट टू द कराओ सॉरी कराओ एट ओरिजिन, ठीक है, अगर हमारे पास जो कराओ है टेंजेंट का वो वाई एक्सिस पे है तो हम रा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, तो इसके अंदर भी हम वही एक्स अप्रोच टू जीरो वाई अप्रोच टू जीरो लेके चलेंगे, लेकिन जो इसकी फॉर्म होगी वो फॉर्म क्या लेके चलेंगे, वाई स्क्वायर बाई टू एक्स लेके चलेंगे, ठीक है, यानी कि इसको तो हम राशि डिनोट कर देंगे, बाकी जो होगी हमारे पास स्टेटमेंट उसके अंदर x और y की जगह पर हम जो है जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स थे, तो मैं इनसे जो है आपके क्वेश्चन पहले मैं इन दोनों के ऊपर न्यूटन मेथड से ही आपको बता देता हूँ कि न्यूटन मेथड से अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं आपका क्वेश्चन लेके चलता हूँ, तो उस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है, फिर मैं जो है इस मेथड से भी आपको सोल्व करके दिखाऊंगा कि अगर हमारे पास एक्सपेंशन से सोल्व करना है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो इसके फोर पार्ट दे रखे हैं तो मैं आपको इसके अंदर वही भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये दे रखा है एक्स की पावर थ्री माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर y माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई की पावर थ्री प्लस फाइव एक्स स्क्वेयर माइनस का सिक्स एक्स वाई प्लस सेवन वाई स्क्वेयर और माइनस का एट वाई इजल टू जीरो, ये दे रखा है, ठीक है। और फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग कर्व, ये कर्व जो दे रखा है इसका हमें वही रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो देखो न्यूटन मेथड से ही फाइंड करेंगे, न्यूटन मेथड में हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास
इस एक्सपेंस जो ये स्टेटमेंट दे रखी है, ये कर्व जो दे रखा है, इस कर्व में से हम क्या करेंगे, सबसे लोवेस्ट डिग्री की पावर देख लें कितनी है, ठीक है, यानी कि सबसे कम पावर, जैसे हमारे पास यहाँ पे सबसे कम पावर है वाई की पावर वन, ठीक है, तो वाई की पावर वन है, तो मैं इसको क्या करूंगा, हम टेंजेंट लेके चलेंगे, वो एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे, यानी कि इसको मैं जीरो के इक्वल, सबसे लोवेस्ट डिग्री की जो टर्म है उसको हम जीरो के इक्वल लेके चलेंगे, यहां से क्या मिल जाएगा हमें, वाई इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के मैंने आपको बताया था दो स्टेप्स थे, तो फर्स्ट स्टेप जो था कि एक्स एक्सिस से टेंजेंट लेके चलेंगे, तो टेंजेंट आप क्या करेंगे, अब हमें इसके अंदर फॉर्म बनानी है, अगर वाई की वैल्यू देखो आप डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हो कि अगर हमारे पास वाई की वैल्यू जीरो होती है तो हमें ये फॉर्म बना के चलनी है, वाई की वैल्यू जीरो होगी तो हमें ये फॉर्म बना के चलेगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू वाई, ठीक है, या फिर एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो हमें फिर वाई स्क्वायर बाई टू एक्स, तो ये फॉर्म बना के चलनी है, ठीक है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो क्या करना है, अब हमारे पास ये वाई की वैल्यू जीरो है तो मैं इसके अंदर ये फॉर्म बना के चलेंगे, तो इस फॉर्म को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है इसको मैं 2y से डिनोट 2y से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो दोनों साइड अगर मैं 2y से डिवाइड करूंगा तो x की पावर 3 डिवाइड बाय 2y माइनस 2x स्क्वायर y डिवाइड बाय 2y माइनस 3x y स्क्वायर बाय 2y माइनस 4y की पावर 3 डिवाइड बाय 2y प्लस 5x स्क्वायर डिवाइड बाय 2y माइनस 6xy डिवाइड बाय 2y माइनस 7y की पावर 2 डिवाइड बाय 2y प्लस माइनस 8y डिवाइड बाय 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2y से तो गाइस को पूरे को डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के बाद देखो मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर बाय 2y की फॉर्म में लेके आना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x स्क्वायर डिवाइड बाय 2y इनटू x माइनस 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा तो ये x स्क्वायर बच जाएगा माइनस यहाँ भी y की वन पावर जो कैंसिल हो जाएगी और आ जाएगा 3x by 2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और y की वन पावर कैंसिल हो जाएगी तो 2y स्क्वायर आ जाएगा प्लस अगर मैं इसको लिख सकता हूँ तो 5 इंटू x स्क्वायर डिवाइड बाय 2y क्योंकि इस फॉर्म के अंदर लेके आना माइनस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3y से y कैंसिल हो जाएगा तो 3x माइनस ये आ जाएगा y की वन पावर कैंसिल करेंगे तो 7y डिवाइड बाय 2 माइनस अब 4 और ये y कैंसिल हो जाएगा तो 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको तो हम राशि डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम राशि डिनोट कर लेंगे तो हमारे पास बाकी जो स्टेटमेंट बची उसके अंदर हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू भी जीरो लेके चलेंगे, y की वैल्यू भी जीरो लेके चलेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू जीरो लेके चलेंगे तो ये क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी पूरी टर्म, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये हमारे पास 5, इसको हम राशि डिनोट कर देंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 4 को मैं साइड लेके जाऊंगा तो 5 पी इज इक्वल टू 4 बाई 5 को भी साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा तो रा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है, पता चल गया। सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी स्टेटमेंट दे रखी हो पहले उसकी जो है लोएस्ट डिग्री की टर्म देखेंगे क्या है, लोएस्ट डिग्री की टर्म हमें पता चल गई कि भाई लोएस्ट डिग्री की टर्म अगर वाई है तो हम ये फॉर्म बना के चलेंगे, लोएस्ट डिग्री की टर्म अगर हमारे पास एक्स है तो हम ये फॉर्म बना के चलेंगे, ठीक है, फिर मैं इसको अगर x इक्वल टू जीरो आ जाता है या लोएस्ट डिग्री की टर्म हमारे पास x होती तो मैं इसको पूरी इक्वेशन को जो है 2x से डिवाइड कर देता, अब हमारे पास y में है तो इसको 2y से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास इस फॉर्म के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स है अगर मैं उनको इस फॉर्म के अंदर लिख सकता हूं तो उनकी जगह पर मैं रा को पुट कर देता हूं और बाकी x और y की जगह पर सभी जगह पर जीरो पुट कर देंगे, ठीक है, जीरो पुट करने के बाद p की वैल्यू हमारे पास या रा की वैल्यू फिर हमारे पास रेंज ऑफ कर्वेचर हमें मिल जाएगी। एक और क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं इसके ऊपर, जैसे आपको दे रखा है इसी पार्ट का मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूं आपको कि अगर हमारे पास दे रखा हो x की पावर, देखो अब की बार मैं लेके चलता हूं कि अगर x की लोएस्ट डिग्री दे रखी है यानी कि जो x में है, जैसे इसके अंदर क्वेश्चन है ये
ये ले लेता हूँ मैं 2x की पावर 4 माइनस 3y की पावर 4 प्लस 4x² y प्लस xy माइनस y की पावर 2 प्लस 2x = 0। अब की बार देखो इसके अंदर जो है लोवेस्ट डिग्री की टर्म क्या है हमारे पास 2x है, ठीक है। अब 2x है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको जो है y² / 2x की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो y² / 2x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अगर मैं इसके लिमिट लगा देता हूं तो लिमिट x = 0 y = 0 तो ये रा की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं इसको देखो 2x से डिवाइड करना पड़ेगा अब की बार पूरी इक्वेशन को, तो पूरी इक्वेशन को 2x से डिवाइड करेंगे तो 2x की पावर 4 / 2x माइनस 3y की पावर 4 / 2x प्लस 4x² y / 2x और प्लस xy / 2x और प्लस माइनस y² / 2x और प्लस का 2x / 2x = 0 यह आ जाएगा हमारे पास। अब देखो मैं इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 3 पावर बच जाएगी, यानी कि x की पावर 3 प्लस सॉरी माइनस 3 एच। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y² * y² / 2x क्योंकि हमें इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था इसको, प्लस 2 से 2 कैंसिल करें तो 2x³ कैंसिल तो x और y, प्लस यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो y/2 बच जाएगा हमारे पास, माइनस इसको हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि ये इस फॉर्म के अंदर पहले से ही कन्वर्ट है और ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 1 = 0 आ जाएगा। अब जहां भी हमें y² / 2x है, अगर मैं पूरे के ऊपर लिमिट लगाऊंगा तो जहां भी हमें y² / 2x मिल रहा है तो उसकी जगह पर हम रा पुट कर देंगे, ठीक है। तो और बाकी जगह पर क्या करेंगे, x और y की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 0, ठीक है। तो यहां भी 0, अगर मैं y की वैल्यू यहां 0 पुट करूंगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये माइनस की रा, इसको हम रा से डिनोट करेंगे, प्लस 1 = 0। अगर मैं 1 को उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का जाएगा, तो रा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। पता चल गया कैसे सोल्व करना है। ये तो था आपके पास अगर न्यूटन मेथड से आपको सोल्व करना हो, ठीक है, न्यूटन मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे। अब है सेकंड, अगर हमारे पास एक्सपेंशन से शो करना हो, यानी कि न्यूटन मेथड अगर हम यूज नहीं करते तो ये हमारे पास अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर अगर न्यूटन मेथड लगाना है तो उसकी पहचान क्या मिलेगी, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, अगर x या फिर y की जो है जो लोएस्ट डिग्री की टर्म होगी वो एक ही मिलेगी, या तो x में मिलेगी या y में मिलेगी, ठीक है। अगर दोनों के अंदर है तो फिर हम जो है इस आइडेंटिटी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, पता चल गया। तो मैं सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ, ऐसा एग्जांपल जिसमें हम x और y दोनों की जो है लोएस्ट डिग्री की टर्म हो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करेंगे, जैसे आपको दे रखा है सेकेंड क्वेश्चन है, मैं इसका सेकेंड का फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये दे रखे आपको y - x² + x² + 2xy + y². अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो x और y की लोएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास x में भी है और y में भी है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, अगर हमारे पास x और y के अंदर उनकी लोएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास x और y दोनों के अंदर है, तो मैंने आपको बताया था कि पिछला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर अगर x में होती या फिर y में, अकेली x में या अकेली y में होती तो हम क्या कर देते, उसमें न्यूटन मेथड को अप्लाई कर देते। लेकिन अब की बार क्या है, x और y दोनों के अंदर जो है उसकी जो है लोएस्ट डिग्री की टर्म है, ठीक है, दोनों के अंदर है, तो अब की बात क्या करेंगे, मैं इसको उस साइड लेके जाता हूं, यानी कि x² + 2xy + y² और ये प्लस का x हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा = 0 ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है x और y के अंदर लोएस्ट डिग्री की टर्म दोनों हो तो फिर हमें क्या करना है, तो हम मान के चलेंगे लेट y = मैंने आपको एक्सपेंशन वाली जो स्टेटमेंट थी वो बताई थी, तो क्या आई थी हमारे पास y = px + 2x² / 2 factorial + rx³/3 / 3 factorial, ठीक है। तो हम y की जगह पर ये वैल्यू जो है पुट कर देंगे इसके अंदर, तो x² को एज इज रखेंगे प्लस अगर मैं 2x तो एज इट इज y की जगह पर रख देंगे px + 2x² / 2 factorial + rx³/3 / 3 factorial, ऐसे ये एज इट इज रहेगा हमारे पास, प्लस y की जगह पर ये वैल्यू फिर पुट करेंगे तो px + 2x² / 2 factorial
आर एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल, ऐसे ही इसकी पावर जो है 2 आ जाएगी। प्लस x हमारे पास है, इट इज माइनस y की जगह पर फिर हम लिख देंगे पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और प्लस आर एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल और ये हमारे पास इक्वल टू जी, ये दे रखा है। अब देखो अगर मैं इसमें से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो मैं एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 2px की पावर 2 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो qx की पावर 3 आ जाएगा प्लस यहाँ भी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो 2×1 लिख सकते हैं इसको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास rx की पावर 4 डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 3 बच जाएगा प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको ये x को लिख लेते हैं प्लस x माइनस, इसको अंदर लेके जाएंगे माइनस को, तो माइनस का पी एक्स माइनस का क्यू एक्स डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आर एक्स की पावर 3 बाई माइनस का जगह ये भी 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और इसको मैं एच डी लिख लेता हूँ पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आर एक्स की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इसकी पावर जो है 2 है हमारे पास इक्वल टू 0। अब देखो अगर हमारे पास x की, अब यहां भी हम ये देखेंगे कि x की जो है हाईएस्ट पावर क्या है, अगर x की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है या 1 है, तो अगर हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 1 है तो हम क्या करें, मैं सभी जो जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का मेथड बता रहा हूं कि अगर हमारे पास x की जो लोएस्ट डिग्री की टर्म है उनको एक बार 0 के इक्वल लेके चलेंगे और फिर उससे जो है जैसे इसकी x की पावर 1 है, अब की बार क्या करेंगे इसको 0 के इक्वल ले लेंगे यानी कि x माइनस पी एक्स यानी कि x का जो कोफिशियंट होगा उसको 0 के इक्वल ले लेंगे और x की पावर 2 के कोफिशियंट को 0 के इक्वल ले लेंगे, x की पावर 3 के कोफिशियंट को 0 के इक्वल ले लेंगे, यहां से हमें पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और वो पी क्यू की वैल्यू मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, अगर हमारे पास 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई क्यू है तो हम रा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो P और Q की वैल्यू आने के बाद मैं इसके अंदर उसको पुट कर देता हूं तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। अब P की वैल्यू ये भी आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास x की पावर 1 नहीं है, x की पावर 1 के अंदर स्टेटमेंट नहीं है तो क्या करेंगे, फिर x की पावर 2 के कोफिशियंट को 0 के इक्वल रखेंगे, x की पावर 3 के कोफिशियंट को 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास x की पावर 1 है तो एक बार तो हम x की पावर 1 है तो उसके कोफिशियंट को 0 के इक्वल लेके चलेंगे, फिर x की पावर 2 को देखेंगे तो x की पावर 2 जैसे हमारे पास इसके अंदर ये है यहाँ भी है हमारे पास और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी आ जाएगी, तो मैं इनको एक साथ लिख लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 2px स्क्वायर और फिर हमारे पास ये माइनस का qx स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा प्लस का px की पावर 2 p स्क्वायर x की पावर 2 इक्वल टू 0, ठीक है, इसमें से x को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस का p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि x के कोफिशियंट को लेके चलना था हमें, तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अगर यहाँ भी मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ तो 1 प्लस 2 p माइनस q बाई 2 और प्लस का p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब p की वैल्यू हमारे पास 1 है तो इसके अंदर पुट कर देंगे तो यहाँ से q की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो 1 प्लस 2 यहाँ p की वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस q बाई 2 प्लस पी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 4, 4 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का क्यू बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का 4 माइनस से माइनस कैंसिल क्यू इज इक्वल टू 8, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 8 है। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर पुट कर देता हूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमें वैल्यू मिल जाएगी तो क्या आ जाएगी 1 प्लस पी स्क्वायर, अब पी की वैल्यू क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा इसकी पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई क्यों की वैल्यू क्या है 8 तो मैं 8 रख देता हूं तो 2 की पावर 3 बाई 2, अब 3 बाई 2 को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 उसकी पावर 1 बाई 2 डिवाइड बाई 8, ये कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा यानी कि 8 की पावर 1 बाई 2 या फिर रूट भी लिख सकते हो डिवाइड बाई 8, अगर 8 की पावर 1 यहाँ पे है और 1 बाई 2 ऊपर है तो मैं 1 बाई 2 को कैंसिल करके 1 बाई 2 लिख सकता हूँ तो क्या आ जाएगा 1 बाई 8 जो है रूट में आ जाएगा। अब 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 तो 4 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और रूट में हमारे पास 2 बच जाएगा तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो है वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें न्यूटन मेथड से
कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो हम इस मेथड से उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पता चले आप। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको ये दो मेथड दे रखे थे, मैंने आपको दोनों मेथड से जो है क्वेश्चन करवा के दिखा दिए हैं कि अगर हमारे पास एक्सपेंशन से सोल्व करना है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, या फिर न्यूटन मेथड से सोल्व करना है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके जो बाकी क्वेश्चन है या नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की 5.3 एक्सरसाइज करवाई थी। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में इसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 5.4। तो इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है कि हमें अब की बार जो कर्वेचर है उसकी रेडियस नहीं, उसका सेंटर फाइंड करना है। यानी कि जो सेंटर फाइंड करना है कर्वेचर का, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं आपको सेंटर निकालने के लिए दो आइडेंटिटीज हैं सेंटर निकालने के लिए, तो मैं बता देता हूँ आपको। अल्फा से मैं उसको डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। जो सेंटर आएंगे उनको अल्फा और बीटा से हम डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो सेंटर को अल्फा और बीटा से डिनोट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स माइनस वाई वन और वन प्लस का वाई वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई टू, ठीक है। और बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वन प्लस का वन प्लस वाई वन का स्क्वायर डिवाइड बाई वाई, ठीक है। तो इस दो आइडेंटिटीज है हमारे पास, अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है या फिर बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनको फाइंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे पास जो कर्व देगा, उस कर्व के या पैराबोला की इक्वेशन दे सकता है या फिर एलिप्स की, सर्कल की, जिसकी भी इक्वेशन दे सकता है आपको, तो उसके अंदर हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन मान के चलनी पड़ेगी, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन लेके चलनी पड़ेगी, या तो आपको दे देगा कि पैरामेट्रिक इक्वेशन इसकी ये है, या नहीं देगा तो फिर हमें वो निकालनी होगी। उसके निकालने का मेथड क्या है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एट द पॉइंट एक्स वाई, तो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, तो फिर हमें इक्वेशन ही फाइंड करनी है। तो देखो, अगर मेरे पास ये दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, ये दे रखा है। अब इसमें से हमें अब क्या करना है, सेंटर निकालनी है और इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो सेंटर कैसे निकालेंगे, तो सेंटर निकालने के लिए हमें सबसे पहले अल्फा बीटा गामा की, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो वो इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो x या फिर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू मैं ऐसी फाइंड करूंगा कि यहां भी पुट कर दें और y की वैल्यू जो आएगी उसको भी यहां पुट कर दें, दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो x और y की वैल्यू ऐसी वैल्यू लेके चलेंगे कि अगर इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो क्या होगी, दोनों इक्वल आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो, मैं अगर x वैल्यू में लेके चलता हूं a, अगर मैं यहां पे ए टी की पावर 2 लेके चलता हूँ, ठीक है, और y की वैल्यू में 2 ए टी पुट करके चलता हूँ, देखो इसके अंदर रखे, अगर मैं इसके अंदर रख देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4 ए हमारे पास है, x की वैल्यू है ए टी स्क्वायर, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा ना। तो हमें ऐसे पॉइंट्स या x और y की वैल्यू ऐसी मान के चलनी है कि वापिस इक्वेशन के अंदर रखें और वो इक्वेशन जो है इक्वल आ जाए, ठीक है। या तो आपको दे देगा या नहीं देगा, तो फिर आपको मैंने आपको बता दिया है कि x और y की वैल्यू हम कैसे मान के चलेंगे। अब देखो क्या करना है, अब हमें इस फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो एक्स माइनस वाई वन, अब वाई वन और वाई टू क्या है, ये है फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकाल लेता हूं x का, अब की बार t के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे क्योंकि स्टेटमेंट जो है t के अंदर है, तो 2 a t आ जाएगा, यहां से डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy by dt ये आ जाएगा 2 a, ठीक है। अगर मैं इसके डिवाइड में इसको रख देता हूं तो dy by dt डिवाइड by dx by dt, तो वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम 2 a डिवाइड by 2 a t, ठीक है, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy by dx यानी कि फिर हम y1 भी बोल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 1 by
आ जाएगी। ये तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव निकला। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव कर देता हूं। तो टी का वन बाई टी का डेरिवेटिव माइनस वन बाई टी स्क्वायर होता है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो टी की पावर वन है, ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर माइनस की वन हो जाएगी, और फिर माइनस की वन पावर आगे टी की पावर इसमें से वन फिर माइनस करेंगे तो माइनस का टू हो जाएगा, और इसका अगर प्लस की लेके चलेंगे इसको तो डिवाइड मिल जाएंगे माइनस का वन बाई टी स्क्वायर। लेकिन हमें ये तो टी का डेरिवेटिव, अब टी का डेरिवेटिव करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव भी जो है एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू देखो, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं तो हमारे पास डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू ए टी। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई टू की वैल्यू माइनस का वन बाई टी स्क्वायर है, इसकी जगह पर रख देंगे वन बाई टू ए टी, यानी कि यह आ जाएगा माइनस का वन बाई टू ए टी की पावर थ्री। तो हमारे पास सारी वैल्यू है। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, सेंटर निकालेंगे हम, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ए टी की पावर टू माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव वन बाई टी है, तो वन बाई टी ठीक है, वन प्लस वन बाई टी का स्क्वायर ठीक है, तो वन बाई टी का स्क्वायर करेंगे तो वन का स्क्वायर वन और टी का स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई y2, y2 क्या है माइनस का 1 बाई टू ए टी की पावर 3। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस का आ जाएगा, t की 1 पावर जो है कैंसिल हो जाएगी क्योंकि 2 ए टी को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास ए टी की पावर 2, और ये आ जाएगा प्लस का 2 ए टी की पावर 1 कैंसिल हो जाएगी तो स्क्वेयर बच जाएगा, और अंदर अगर मल्टीप्लाई कर एलसीएम ले लेंगे तो टी स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर प्लस का 1 ये आ जाएगा। अब टी स्क्वायर से टी स्क्वायर को भी कैंसिल कर देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस टू ए, टू ए के अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो टू ए टी स्क्वायर प्लस टू ए आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास टू ए है और वन ए है, तो थ्री ए टी की पावर टू प्लस टू ए जो है, अगर इसमें से ए को कॉमन लेना चाहो तो ए कॉमन ले सकते हैं, तो अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास मिल गई। अब हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो वाई की वैल्यू है हमारे पास 2at प्लस, अब 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर, तो वाई वन की वैल्यू हमारे पास आई है 1 बाई टी, तो 1 बाई टी का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और टी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई वाई टू, वाई टू की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस का 1 बाई 2at की पावर 3 ठीक है। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो यह आ जाएगा हमारे पास बीटा इज इक्वल टू टू ए टी तो एच डी प्लस, ये माइनस ऊपर आ जाएगी तो ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा ये टू ए टी टी की पावर थ्री, और अंदर है हमारे पास इसके अंदर एलसीएम ले लेंगे तो टी की पावर टू एलसीएम आ जाएगा, तो टी की पावर टू प्लस का वन ठीक है, यह आ जाएगा t की पावर 2 जो कैंसिल कर देंगे तो 1 पावर बच जाएगी, तो 2at माइनस 2at और अंदर है t स्क्वायर प्लस का 1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2at माइनस 2at की पावर 3 और माइनस का 2at आ जाएगा। अब 2at से 2at कैंसिल कर देंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2at की पावर 3 आ जाएगी ठीक है। अब देखो सेंटर मिल गया हमें, अब रेडियस ये तो हमें सेंटर निकालने थे, तो सेंटर तो हमारे पास है अल्फा की वैल्यू आई है हमारे पास 3at स्क्वायर प्लस का 2a और बीटा की वैल्यू आई है माइनस का 2at की पावर 3। पता चल गया अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है और उसके अंदर सेंटर निकालना है तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को चेक करेंगे कि इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, और उस इक्वेशन में हम जो पैरामीट्रिक इक्वेशन लेके चलते हैं उसकी एक्स और वाई की वैल्यू लेके चलते हैं वो किस बेस पे लेके चलेंगे ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो सेम जो है दोनों इक्वल लेके चलना है, इक्वल बना के चलना है ठीक है, तो ऐसे हम एक्स और वाई की वैल्यू लेके चलेंगे, फिर हम अकॉर्डिंग टू अल्फा एंड बीटा उसको सोल्व कर देंगे ठीक है। पता चल गया, थैंक यू। इक्वेशन भी फाइंड करनी है तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ठीक है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन भी दे रखी है इसने,
एक्स इक्वल टू ए सीकेंट थीटा और वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा, और सेंटर से होकर के दिखाना है, जो सेंटर आएगा सेंटर आना चाहिए हमारा ए की पावर टू प्लस बी की पावर टू डिवाइड बाई ए और सीकेंट की पावर थ्री थीटा, ठीक है। और हमारे पास सेकंड है माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी और टेन की पावर थ्री थीटा, ये तो हमें सेंटर शो करके दिखाना है। और फिर इक्वेशन भी शो करके दिखाएंगे, इक्वेशन भी निकालिए, इक्वेशन निकालिए हमें ए एक्स इसकी पावर टू बाई थ्री माइनस बी वाई की पावर भी टू बाई थ्री और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी पावर जो है वो टू बाई थ्री, ये निकालिए, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इक्वेशन जो दे रखी है उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लेके चलनी है, एक्स और वाई की वैल्यू लेके चलनी है, ये आप लोगों को दे रखी है, ठीक है। अगर अदरवाइज ये वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम क्या करते, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर ऐसे पुट कर लेते कि हमारे पास उसको सोल्व करने के बाद वन आ जाए, ठीक है। अब की बात तो दे रखी है तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूँ। हमें क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू दिस इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालना हमें, तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम, तो डी एक्स वाई डी थीटा, अब की बार थीटा के अंदर दे रखी है तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ए हमारे पास एलजी सिकेंट का डेरिवेटिव सिकेंट थीटा टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और डी वाई बाई डी टी डी थीटा निकालेंगे तो बी एच डी टेन का डेरिवेटिव सिकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास। अब इसके डिवाइड में इसको लिख देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स या फिर वाई वन की वैल्यू मिल जाएगी हमें, क्या वैल्यू आ जाएगी, बी सिकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए सिकेंट थीटा टेन थीटा, ठीक है। सिकेंट की पावर एक से कैंसिल हो जाएगा तो बी बाई ए सिकेंट थीटा और डिवाइड बाई टेन थीटा ही आ जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ साइन या कोस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो बी बाई ए इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाई कोस आ जाएगा ये, तो इसको सोल्व करेंगे तो वन बाई कोस थीटा डिवाइड बाई ये आ जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा वन बी बाई ए साइन थीटा। अब वन बाई साइन किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट, तो बी बाई ए कोसेकेंट थीटा इसको लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें क्या निकालना है इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो बी बाई ए तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है एज इज रहेगा, कोसेकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और कोट माइनस का कोसेकेंट थीटा कोट थीटा, ठीक है। ये तो हमारे पास है कोसेकेंट का डेरिवेटिव। अब हमें थीटा का डेरिवेटिव भी निकालना है तो डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से मिलेगी हमें, ये वैल्यू है इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं तो वैल्यू मिल जाएगी तो वाई टू इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कोसेकेंट थीटा कोट थीटा। अब इसकी जगह पर हम ये लिख देते हैं तो वन बाई ए सीकेंट थीटा टेन थीटा, ठीक है। अगर मैं पूरे को सोल्व कर लेता हूं तो साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, माइनस का बी बाई ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको आप एस चीज रखना चाहो तो एस चीज भी लिख सकते हो, कोसेकेंट थीटा कोट थीटा डिवाइड बाई ये हमारे पास है सिकेंट थीटा और टेन थीटा, ठीक है। जैसे मैं इसको कोट को वन बाई टेन भी लिख सकता हूँ या टेन को वन बाई कोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो माइनस बी बाई ए एच चीज कोसिकेंट को हम वन बाई साइन लिख सकते हैं और कोट को कोस बाई साइन लिख देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई। अगर मैं सिकेंट को लिख देता हूं तो वन बाई कोस और साइन बाई कोस ये आ जाएगा हमारे पास। अब मैं कोस स्क्वायर है इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो कोस की पावर थ्री आ जाएगी, यानी कि माइनस का बी कोस की पावर थ्री थीटा डिवाइड बाई ये हमारे पास साइन की पावर थ्री हो जाएगा, तो साइन की पावर थ्री थीटा यानी कि ए स्क्वायर। तो वाई टू की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, माइनस का बी कोस की पावर थ्री थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर साइन की पावर थ्री थीटा। अब कोस बाई साइन क्या होता है कोट, तो माइनस बी बाई ए स्क्वायर ये आ जाएगा कोट की पावर थ्री थीटा। ये तो हमारे पास सेकेंड यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है सेकंड डेरिवेटिव भी, मैं कोई अलग से लिख लेता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव आया हमारे पास b बाई ए कोसिकेंट थीटा और सेकंड डेरिवेटिव आया हमारे पास माइनस बी बाई ए स्क्वायर कोट की पावर थ्री थीटा, ठीक है। बाकी को मैं साफ कर देता हूँ और
हमें सेंटर निकालनी है, तो मैं इसके अंदर उसको पुट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा उसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तो अगर मैं वैल्यू अल्फा की निकालता हूँ, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी आप लोगों को दे रखी थी, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी थी आपको, ये दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखी है ए सीकेंट थीटा, तो ए सीकेंट थीटा ठीक है प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर माइनस लेके चलते हैं, वाई डैश, वाई डैश की वैल्यू है बी बाई ए कोसेकेंट थीटा ठीक है, और वन प्लस वाई वन का स्क्वायर, वाई वन का स्क्वायर यानी कि जिसका स्क्वायर करेंगे तो बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, ए का भी स्क्वायर और कोसेकेंट का भी स्क्वायर हो जाएगा ठीक है, डिवाइड बाई वाई टू, वाई टू की वैल्यू है माइनस का बी बाई ए स्क्वायर और कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब क्या जाएगा हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, तो हम एज इज रखेंगे यहाँ पे, ये ए को जो है ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का ए कोसेकेंट थीटा डिवाइड बाई ये आ जाएगा कोट स्क्वायर, कोट की पावर थ्री है यहाँ पे, तो कोट की पावर थ्री थीटा, और ये हो जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको साइन कोस के अंदर चेंज कर लेता हूं, तो अल्फा इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, तो एज इज रखेंगे प्लस इसको मैं ए, इसको क्या लिख सकता हूं 1 बाय sin थीटा डिवाइड बाय इसको cos की पावर 3 थीटा डिवाइड बाय sin की पावर 3 थीटा, और अंदर है 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को मैं 1 बाय sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ठीक है, तो वन पावर टू कैंसिल हो जाएगी तो टू पावर हमारे पास ऊपर आ जाएगी, तो सीकेंट इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा प्लस ये आ जाएगा ए साइन की पावर टू थीटा डिवाइड बाई कोस की पावर थ्री थीटा प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा ए की पावर वन कैंसिल हो जाएगी ठीक है, या फिर आप इसको एज इज लिख लो एक बार 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब की बार अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए साइन सीकेंट थीटा प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, इसको भी मैं साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं तो ये आ जाएगा 1 बाई कोस थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 पावर है कोस की पावर 3 थीटा प्लस, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर और ऊपर साइन स्क्वायर है डिवाइड बाई, अब ए तो कैंसिल हो गया तो वन पावर बच गई हमारे पास, अब ये है साइन की पावर टू और कोस की पावर थ्री थीटा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास ए बाई कोस एच डीज, ए बाई कोस थीटा एच डीज प्लस, इसको भी हम एच चीज रखेंगे ए साइन की पावर टू और डिवाइड बाई कोस की पावर थ्री थीटा ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बाई ए कोस की पावर थ्री प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए कोस की पावर थ्री थीटा, अब मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूँ कोस की पावर थ्री थीटा को, ए कोस की पावर थ्री थीटा एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर कोस की पावर टू थीटा प्लस, और ये आ जाएगा ए की ए स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे बी स्क्वायर बच जाएगा, तो अब देखते हैं अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगा, अगर इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन निकालें तो अंदर क्या आ जाएगा वन ठीक है, वन आ जाएगा और प्लस में बी स्क्वायर है डिवाइड बाई ए और वन बाई कोस को हम सिकेंड की पावर थ्री थीटा लिख सकते हैं तो ये मिल जाएगा, तो ये तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई है ठीक है, अब हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें वाई की वैल्यू लेके चलनी है, अब वाई की वैल्यू आप लोगों को क्या दे रखी थी, इसके अंदर दे रखी है बी टेन थीटा, तो मैं वाई की जगह पर तो वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ बी टेन थीटा प्लस वन प्लस वाई डैश, वाई डैश हमारे पास ये है तो बी बाई ए कोसेकेंट थीटा डिवाइड बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो ये का भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई वाई टू, वाई टू की वैल्यू हमारे पास है माइनस का बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर और कोट की पावर थ्री थीटा, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद जैसे बीटा इज इक्वल टू बी टेन थीटा तो हम एच डी रखेंगे प्लस माइनस हो जाएगी यहाँ पे तो ये माइनस का अब ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और बी बी जो है नीचे रह जाएगा और कोट की पावर थ्री थीटा
वन प्लस बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर और कोसेकेंट की पावर टू थीटा दिया जाएगा। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बीटा एच डी इज इक्वल टू, ये बी टेन थीटा को एच डी रखेंगे हम, ठीक है, माइनस ए की पावर टू डिवाइड बाई बी वन बाई कोट को हम टेन लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा टेन की पावर थ्री थीटा और अंदर है हमारे पास वन प्लस बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर और कोसेकेंट की पावर टू थीटा, ये आ जाएगा। अब देखो मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो बीटा इज इक्वल टू बी टेन थीटा एच डी माइनस ए की पावर टू डिवाइड बाई बी टेन स्क्वेयर टेन की पावर थ्री थीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये स्क्वेयर से ये स्क्वेयर कैंसिल, बी की वन पावर कैंसिल हो जाएगी तो बी बचेगा हमारे पास और ये है टेन की पावर थ्री, टेन की पावर थ्री थीटा और कोसेकेंट की पावर टू थीटा, यह आ जाएगा। अब इसको मैं साइन कोस के अंदर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि साइन बाई कोस लिखेंगे आवर बाई साइन लिखेंगे तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू बी टेन थीटा माइनस ए स्क्वेयर बाई बी टेन की पावर थ्री थीटा माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर थ्री डिवाइड बाई कोस की पावर थ्री इंटू वन बाई साइन की पावर थ्री, अब सॉरी टू टू पावर से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बच जाएगा बी इज इक्वल टू बी टेन थीटा माइनस ए स्क्वेयर बी और टेन की पावर थ्री थीटा माइनस, अब इसको देखते हैं क्या बच गया, देखो साइन बाई कोस है तो मैं इसको टेन लिख सकता हूँ और कोस की टू पावर है तो मैं उसको वन बाई यही लिख देंगे कोस की पावर टू, ठीक है। अब देखो इसमें भी टेन है तो मैं टेन को कॉमन ले सकता हूँ तो टेन थीटा हमारे पास कॉमन आने के बाद क्या बच जाएगा, बी माइनस ए स्क्वेयर बाई बी टेन स्क्वेयर थीटा और माइनस ये आ जाएगा b बाई ये cos स्क्वेयर थीटा और इसको भी मैं साइन cos के अंदर चेंज कर लेता हूं तो साइन cos के अंदर चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा बाई cos स्क्वेयर थीटा, अब अंदर एलसीएम ले लेंगे हम तो बीटा इज इक्वल टू टेन थीटा तो एच डी अंदर एलसीएम लेंगे तो b cos स्क्वेयर थीटा जो है एलसीएम आ जाएगा, सॉरी थ्री पावर है टू पावर है जाएगी हमारी अगर वन पावर के कॉमन ले लेंगे तो ये तो आ जाएगा बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस ये हमारे पास एच डीज रहेगा बी ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस सॉरी माइनस ये आ जाएगा हमारे पास बी की पावर टू है तो बी यहाँ पे बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कोस स्क्वेयर से जो है कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हो अब हम टेन थीटा को तो एच डीज रखते हैं, अगर मैं इसको साइन के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं तो साइन के अंदर चेंज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, या फिर आप इसमें से बी स्क्वेयर को कॉमन ले सकते हो तो बी स्क्वेयर को कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, बी स्क्वेयर कॉमन ले लिया यहाँ तो हमारे पास माइनस का बी स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हम ये प्लस का हो जाएगा वन और ये माइनस का कोस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा और ये माइनस का ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा हमारे पास एच डीज डिवाइड बाई बी कोस स्क्वेयर थीटा, इसको हम ये एच डीज रखेंगे। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, मैं इसको साफ कर देता हूँ तो अल्फा की वैल्यू को हम रख लेते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन भी फाइंड करनी है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू को मैं अलग से लिख देता हूँ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए और सीकेंट की पावर थ्री थीटा, ठीक है, यह आ जाएगा। अब देखते हैं इसको सोल्व करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू टेन थीटा तो एच डी रहेगा, अंदर देखते हैं ये वन माइनस को स्क्वेयर साइन स्क्वेयर हो जाएगा तो साइन स्क्वेयर हो जाएगा, साइन स्क्वेयर यहाँ भी है साइन स्क्वेयर यहाँ भी है तो मैं साइन स्क्वेयर को कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस का माइनस भी कॉमन ले लेंगे और साइन स्क्वेयर का भी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अंदर हमारे पास है? इसको हम लिख देंगे प्लस का ए स्क्वेयर और प्लस का बी स्क्वेयर तो प्लस का ए स्क्वेयर है प्लस का बी स्क्वेयर है डिवाइड बाई ये हमारे पास है बी कोस स्क्वेयर थीटा, अब बी कोस स्क्वेयर थीटा ये भी क्या हो जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा तो टेन स्क्वेयर थीटा लिख सकता हूँ मैं बी एच डी माइनस माइनस टेन थीटा और ये टेन ये हो जाएगा तो टेन की पावर थ्री थीटा हो जाएगा और ये है ए की पावर टू प्लस बी की पावर टू डिवाइड बाई बी यह जाएगा। अब हमें ये शो करके दिखाना था कि जो सेंटर है कर्वेचर के वो तो हमारे पास ये आ जाएंगे, अब हमें इक्वेशन भी फाइंड करनी है तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए देखो क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से
सिकेंट की पावर 2 की वैल्यू फाइंड कर देंगे। सिकेंट की पावर 2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, या फिर आप यहां से सिकेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सिकेंट की वैल्यू देखो कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं अल्फा को ए कोई साइड ले आऊंगा तो ए अल्फा, और इसको इस साइड लेके आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सिकेंट की पावर 3 थीटा। अब सिकेंट की पावर 3 की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब हमें यहां से सिकेंट की पावर 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, 3 को कैंसिल करना होगा और 2 पावर लेके आनी है, तो मैं दोनों साइड क्या कर देता हूं, इसको 2/3 से इसकी जो है पावर दोनों साइड कर देता हूं, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिकेंट की पावर 2 आ जाएगा, यानी कि a अल्फा डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी पावर भी 2/3 हो जाएगी और इसकी पावर भी 2/3 इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर थीटा जाएगा। अब यहां से tan का मान निकालेंगे तो मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा, तो ये माइनस का b बीटा और डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसके इज इक्वल टू tan की पावर 3 आ जाएगा। अब मैं यहां से tan की पावर 2 की वैल्यू निकालूंगा, तो दोनों साइड में क्या करूंगा, 2/3 से इसको जो है दोनों तरफ कर देंगे पावर अप्लाई, तो ये आ जाएगा माइनस का b बीटा / a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसकी पावर जो है वो 2/3 इज इक्वल टू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगी। अब आपको ये पता है कि secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो secant स्क्वायर की वैल्यू आपके पास tan स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसके अंदर पुट कर देंगे तो a अल्फा इसकी पावर भी 2/3 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर भी 2/3, ठीक है, माइनस। अब tan स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास, तो माइनस b बीटा की पावर 2/3 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर भी 2/3 इज इक्वल टू 1। अब देखो मैं यहां पे एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम सेम आ जाएगा हमारे पास, तो सेम एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये देखो माइनस की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो मैं माइनस को यहां से खत्म कर सकता हूं, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 3/2/3, और ये आ जाएगा a अल्फा इसकी पावर भी हमारे पास 2/3 है माइनस b बीटा की पावर भी 2/3 है इज इक्वल टू 1। इसको मैं साइड लेके जाऊंगा तो फिर क्या आ जाएगा, a अल्फा का की पावर 2/3 माइनस b बीटा की पावर भी 2/3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास दोनों से मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 2/3 आ जाएगा। यही हमें शो करके दिखाना था, यही इक्वेशन लेके आएंगे हमें, ठीक है, पता चल गया कैसे सोल्व करना है। थैंक यू।